पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर आगे बढ़ने से पहले जरा आपको प्रेसिडेंशियल से कंपैरिजन कर दें कि हाउ वी कैन कंपेयर विद द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद फिर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आगे बढ़ेंगे कि उसके भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, कैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहले जो कल हमने बताया था उसे समराइज कर दें सारी पॉइंट्स में कि पार्लियामेंट, फिर उसको कंपेयर करें कि हाउ वी कैन कंपेयर इट विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय शासन को हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं, उसमें पहला है व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला, पार्लियामेंट इज अ सेंटर ऑफ पावर। संसद शक्ति का केंद्र होती है। पार्लियामेंट इज सेंटर ऑफ पावर, पहली विशेषता है। दूसरा, संसदीय शासन में, अच्छा एक बात, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप देखेंगे, समझ के पढ़िए हमेशा फायदा होगा, रट के पढ़ेंगे तो आइए इसमें प्रॉब्लम होगी कि हमने, जैसे हमने कि एक शब्द का प्रयोग किया, दिस इज ए फ्यूजन ऑफ पावर, कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का फ्यूजन होता है, सामंजस्य होता है, और एग्जामिनर ने क्या कहा था, अंतर संबंध होता है। बात एक ही हो गई, फ्यूजन कहिए अंतर संबंध कहिए, एग्जामिनर शब्द हमेशा बदलता जाएगा। तो एक ही चीज हम तीन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे एक ही बार इत्मीनान से पढ़िए, एक एक शब्दों कितने प्रोबेबल मतलब हो सकते हैं उस सबको ध्यान में रखिए। कोई भी चीज चेंज हो सकती है। रटी गई बात का सबसे दुष्परिणाम यह होता है कि उसके आगे हम सोच ही नहीं पाते, वो शब्द दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो हमें लगता है। इसलिए हर चीज को एकदम इत्मीनान से समझ समझ के पढ़िए। तो पार्लियामेंट्री सेंटर ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पहली विशेषता यह है। और देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर, यहां शक्ति का विलय होता है। फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और आपको हम याद दिला दें, फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन विधायिका और कार्यपालिका के बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का फ्यूजन होता है, समन्वय होता है, सामंजस्य होता है। देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और जब याद रखिए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों मिलती है तब क्या कहलाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में खास तौर पे आप ध्यान रखेंगे, लेजिस्लेचर शब्द का मतलब है तो उसका अलग मतलब आप निकालेंगे, एग्जीक्यूटिव उसके मतलब अलग है, पार्लियामेंट उसका मतलब अलग है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक एक शब्द वो ध्यान से पढ़ते हैं आगे, हम इस बात पे करें कैसे आप ऑब्जेक्टिव को स्टडी करिए और कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं। दूसरा, तो फ्यूजन लिखिए, इंटर रिलेशन लिखिए, बात एक ही हो गई। और अगला, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शक्तियां व्यक्ति में नहीं होती, समूह में होती है। पावर लाइज इन कैबिनेट। शक्तियां यहां पे समूह का शासन होता है, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट का शासन भी कहा जाता है। इसलिए कल भी कैबिनेट की बैठक हुई, तो अभी कैबिनेट कैबिनेट को हम अलग से देखेंगे, अभी तो हम एक एक विशेषता देख रहे हैं, फिर एक एक पार्ट को अलग करेंगे, लोकसभा को अलग, राज्यसभा को अलग, कैबिनेट को अलग, पीएम को अलग। अभी तो हमने ओवरऑल देख लिया व्हाट इज ए फीचर, और उसी में एक एक पार्ट निकाल लेंगे तो हमारा पूरा अध्ययन बन जाएगा। दूसरा, देयर इज अ ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका होती है, या हम कहें कि संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान में फर्क होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द रियल हेड। अच्छा, संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान में हेड के बजाय हम एक और शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि हम संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच एक और शब्द का प्रयोग कर दें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट। यहां दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, राष्ट्र का प्रधान कोई और होगा हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई और होगा, हु इज अ हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, हु इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, पीएम। तो यहां पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है, दोहरी कार्यपालिका।
दोहरी कार्यपालिका होती है। और अगला, प्रधानमंत्री की शक्ति केंद्रीय होती है कार्यपालिका में, इन एग्जीक्यूट पीएम इज होल्डिंग द सेंट्रल पोजीशन इन एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की शक्तियां प्रधान होती हैं और इसीलिए उसे कहा जाता है इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वह समकक्षों में प्रधान है। पीएम इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, जो कल हमने आपको बताया था। समकक्ष कौन है? मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स आर इवन इक्वल विद द पीएम, बट सेम टाइम पीएम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मिनिस्टर्स। अब आप देखेंगे कि ये संसदीय शासन की विशेषता है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में संसदीय शासन की चार ऊपर की विशेषताएं पूछ ली गई, चारों सही है, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है चारों सही है, चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होगी? बात तो सब सही है। जब हम अब देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना होता है, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ने का तरीका थोड़ा यहां बदल जाता है। कई बार तो चार के चार ऑप्शन सही होंगे और कई बार चार के चार भी गलत होंगे। तो चार के चार गलत है, सबसे कम गलत कौन है वो टिक करिए। चार का चारों अगर, और एक बात खास देखिए, क्यों हम आपको बार जब यूपीएससी का एग्जाम सेट होता है तो उसमें बहुत सारे मानदंड होते हैं और प्रिकॉशन ये लिया जाता है कि कई बार आप देखेंगे पेपर सरल बनाया जाता है। पेपर सरल क्यों बनाया जाता है? जिससे उनका पर्पज होता है कि हर बिगनर बच्चा उसमें क्वालिफाई करने की क्षमता रखे। अब याद रखिए, सोशल जस्टिस हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं है, वो हर जगह लागू होता है। इसे कई बार हम खतरों खिलाड़ी बनने के चक्कर में बिला वजह चीजें पढ़े जा रहे हैं, ये मैगजीन वो मैगजीन। आपको लगता नहीं कि पेपर आप देख के निकलते हैं तो लगता है यार पीछे बड़ी सिंपल पूछी गई, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ये बात पहले समझ कर रखिए, ये बात तो आपको पहले समझ कर रखना है। इस वजह से आप देखिए बेसिक चीज को होल्ड रखिए, अपने आप प्रीलिम्स एग्जाम नहीं रुकेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, डाइवर्जन करेंगे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर एक विशेषता दुखनी हो, दूसरी फ्यूजन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। हम इसी बात को तीसरे शब्द में कह दें, एक ही लाइन को हम तीन तरीके से कह सकते हैं। देर इज अ फ्यूजन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, पहला हमने कह दिया। दूसरा हमने कह दिया देर इज इंटर रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दूसरा हमने कह दिया। तीसरा हमने कह दिया एग्जीक्यूटिव इज मेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका विधायिका से निकल के बनती है। तो ये अपने आप में सेंट्रल विशेषता मानी जाएगी। सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में ये बात पहली बात अपने आप नहीं थे कि कार्यपालिका विधायिका का हमेशा सामंजस्य से बना रहता है। अब इस बात को और विस्तार करने से पहले अब याद रखिए, किसी विशेषता को हम देखना चाहते हैं तो हम ये भी देख लें। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, कैसे हमें समझना है, कैसे रटना नहीं है। अब अगर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने ये विशेषता देखी, जरा सोच के देखिए भारत में इसे लगाया क्यों गया पहला, भारत में लगाया क्यों गया पहला, इसका फायदा क्या है दूसरा, इसका घाटा क्या है तीसरा। और आप याद रखिए, आजकल तो हमने कई एग्जाम ऐसे पीटी में देखेंगे जो कि बिल्कुल अप्लाइड किस्म के मेंस टाइप के सवाल होते हैं। आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता पढ़ ली, वो केवल भारत में इसका प्रयोग क्यों किया गया, बात वही है, अप्लाइड आपको पूछ देगा वो। यद्यपि मेंस एग्जाम में कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपको कि ये विशेषता की संसदीय शासन की विशेषता बताइए, वो मेंस एग्जाम में सवाल कैसा पूछा जाएगा आगे आपको बता देंगे। लेकिन अगर इतनी विशेषता आपने पढ़ ली तो जस्ट टेल मी द व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको क्या फायदा दिखा इससे, घाटा दिखा वो भी बता दीजिए, फायदा दिखा वो भी दिखा दीजिए। उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है, शासन पावर को निरंकुश शासन ना हो पाए,
अब आपको याद दिला दे, देखिए जब हम फायदे घाटे की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा लचीलापन ज्यादा है। अच्छा, दूसरा लचीलापन कैसे ज्यादा है, कार्यपालिका चूंकि विधायिका का भाग होती है इसलिए देर इज ए लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। पहला फायदा ये होता है। अब ये कार्यपालिका विधायिका के बीच टकराव के चांसेस कम होते हैं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में शटडाउन आया, वो हमारे यहाँ कभी नहीं होता। अमेरिका में बजट पारित नहीं हो पाया, हमारे यहाँ ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि सरकार जिसकी हो उसका बजट पारित ना हो पाए, क्योंकि जो कार्यपालिका में होगा उसका लोकसभा में मेजोरिटी होगी ही होगी। ये संसदीय शासन की विशेषता है। तो संसदीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं। तो पहला, अब जरा सोच के देखिए, इसलिए भारतीय संविधान सभा में जिस बात पे विचार किया गया, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, सो वी नीड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज कंपेरेटिवली मोर फ्लेक्सिबल। आप याद रखिए, टकराव टकराव सहने की क्षमता वो देख लेता जो थोड़ा सा डेवलप हो। अब दोस्तों बच्चा बच्चा ही है, अभी बड़ा ही हुआ, उसको अपने बड़े बड़े जटिल काम दे दिए, पजल दे दिया, वो फंस जाएगा। इस वजह से पहली विशेषता कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। एक तो कार्यपालिका विधायिका चुनाव एक साथ हो जाता है, और दूसरा कार्यपालिका विधायिका से मिलके बनती है, तो कार्यपालिका विधायिका में कॉन्फ्लिक्ट चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। अब जरा सोच के देखिए, इसके बावजूद शायद एक बार संसदीय शासन प्रणाली वाले हमारे नहीं समझ पाए थे, जो अभी हो जा रहा है, अभी हो जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दल की मेजोरिटी आ जा रही है, उतने पे कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। तो हमारे यहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच अगर सेपरेशन होता तो दोस्तों सरकार चल पाती, और सेपरेशन कैसा होता है वो अमेरिका में भी आपको बता देंगे। इसलिए पहला फायदा यह था कि संविधान निर्माता ये बात मानते थे कि नहीं, वी नीड अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे लचीलापन बहुत ज्यादा हो, कॉन्फ्लिक्ट चांसेस कम से कम हो। वैसे लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर संघर्ष बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हमारे लिए होगी। पहला एडवांटेज ये था। दूसरी बात करें, अब देखेंगे इन डेमोक्रेसी, अगर आप लोकतंत्र की बात करेंगे, लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है उत्तरदायी शासन। डेमोक्रेसी मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर हमने, क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है, एनी गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाई गवर्नमेंट इज बाउंड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू अदर पीपल। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 5 साल में तय की जाए या रोज रोज तय की जाए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दूसरी विशेषता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे। इसका मतलब है जिस दिन संसद को लगता हो, लोकसभा को लगता हो कि हमें मंत्रिपरिषद को बाहर करना है, वो बस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। तो यहाँ कार्यपालिका कोई सुनिश्चित कार्यकाल नहीं होता। कार्यपालिका जैसे अभी आप देखेंगे कि, और ये सिस्टम जो हमने संसद में लगा है वही तो हर जगह है, तो विधानसभा में कुमार स्वामी तब तक रहेंगे कर्नाटका में जब तक बहुमत दल का समर्थन उनको मिलता रहेगा। इससे इंश्योर ये होगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, जो भी सरकार का आदमी होगा, दे विल फील मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल। तो ऐसा नहीं कि वो 5 साल वेट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो रोज रोज इस बात के लिए चौकन्ना रहेंगे, उनके किसी भी एक्शन को सरकार रिस्पॉन्सिबल कर सकती है। ऐसा हुआ नहीं राफेल के मामले पर भारत में। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन अपोजिशन इज ऑलवेज देयर, हु इज विलिंग टू चेक द गवर्नमेंट, सवाल पूछ के, प्रस्ताव लाकर, और आप कभी भी सरकार से बाहर किया जा सकता है। इसमें फियर रोज रोज का होता है। देयरफॉर पीपल विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टू अदर पीपल, गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल टू अदर पीपल। तीसरी बात आप देखेंगे, तो पहला फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा है, और फ्लेक्सिबिलिटी में आर्गूमेंट आप जरूर लिख देंगे क्यों फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और अमेरिका से भी कंपेयर करेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा फायदा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे, यानी उत्तरदायित्व तो लोकतंत्र का दूसरा नाम है, लेकिन उत्तरदायित्व तो 5 साल में हो या हर दिन हो, कौन सा उत्तरदायित्व ज्यादा बेहतर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डे। तो हमने क्या माना कि भाई रोज रोज का उत्तरदायित्व का सिद्धांत हम लगाएंगे। तीसरी विशेषता वो ध्यान से आप देखिए, बिकॉज पावर लाइज इन ग्रुप, तो ग्रुप में पहले फायदा यह होता है कि शक्तियां व्यक्ति में नहीं होती, और ये बात आप जानते हैं कि शक्तियां व्यक्ति में हो, शक्तियां समूह में हो, ये हमेशा समूह इस ज्यादा फायदा वाला बात होती है। अब इस समूह के फायदे क्या होते हैं ये बात जानते हैं, भारत कितना विविधतापूर्ण देश है। डू यू नो दैट हु इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द होम मिनिस्ट्री, गृह राज्य मंत्री कौन है हमारे यहाँ, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कहाँ से हैं,
अरुणाचल से. हु इज अ होम मिनिस्टर? राजनाथ सिंह कहां से है? राजनाथ सिंह कहां है? यूपी से. अब जरा डाइवर्सिटी आप देखिए, यानी वो ध्यान से आप देखिए. अच्छा, किसी ने फेडरल गवर्नमेंट पूछा है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग बता देंगे, फेडरल अलग बता देंगे. फेडरल तो हमारा बड़ा चैप्टर है, अभी तो हम पार्लियामेंट्री पे हैं, दोनों में पढ़ना है. थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आ जाएंगे. अब जरा सोच के देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो ग्रुप का शासन होता है, व्हाई इट इज वेरी मच बेनिफिशियल. आप साहब देखेंगे, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर की भी लिस्ट उठा के देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट उठा के देखिए. पहला, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान में रखा जाए. धर्म का रिप्रेजेंटेशन, इसलिए आप देखेंगे कि अभी किस मिनिस्टर को बाहर किया गया था, नजमा हेपतुल्ला को बाहर किया गया था, तो मुख्तार अब्बास नकवी, और एक और किसको लाया गया था, एम जे अकबर. मी टू के चक्कर में थोड़ा सा बाहर उनको जाना पड़ा, इसलिए आप देखेंगे धर्म को बैलेंस किया जाता है, रीजन को बैलेंस किया जाता है कि कितने यूपी से होंगे, कितने बिहार से होंगे, कितने महाराष्ट्र से होंगे. इसका मतलब है ये भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन द एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज दैट कैन इवन विजुअलाइज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो कैबिनेट का शासन होगा, एक तो व्यक्ति में शासन केंद्रीकरण नहीं होगा, दूसरा पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. इस वजह से संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ बेहतर है. एक आर्गूमेंट आप हिस्टोरिकल भी ले सकते हैं, हिस्टोरिकल का मतलब है बिकॉज वी वेर एक्सपेरिमेंटिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंस 1935. तो 1935 से ये शासन का प्रयोग हम कर रहे थे, इस वजह से ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा तरीका था. इसका हमें थोड़ा अनुभव मिला हुआ था. और आपको लास्ट पॉइंट ये बता दें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर यूजर फ्रेंडली. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई मशीन ऐसी ले ली, चला ही नहीं पा रहे. अब मोबाइल हमने ऐसा ले लिया, फंक्शन ही समझ में नहीं आ रहा, दबा रहे कुछ, दब जा रहा है कुछ. मैंने गांव किसी व्यक्ति को देखा तो बार बार उनका मेरे पास कॉल आ जा रहा था. मैंने कहा, मैं सोचा कोई गड़बड़ी बात है क्या, तो मैं क्लास से बाहर निकला, मैंने फोन किया, मैंने कहा कोई गड़बड़ हो गया. उनका ना नया मोबाइल ले रखा है, बिलावजह लग जा रहा है. मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है. अब कोई नया मोबाइल है तो आदमी को समझ में नहीं आ रहा, उसको तो बटन वाला सिस्टम ठीक है, टच स्क्रीन पता नहीं कहाँ टच हो गया, मामला गड़बड़ हो गया. ये यूजर फ्रेंडली भी है, क्योंकि इलेक्शन कैसा होता है, आराम से इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक व्यक्ति इलेक्टेड होगा और फिर पार्लियामेंट बैठेगी. इस वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाया. तो दीज आर एडवांटेज, दीज आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब जरा हम डिसएडवांटेज की बात करें, आपने लिख लिया. दूसरा, डिसएडवांटेज की बात करें कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर डिसएडवांटेज की बात आप करेंगे तो याद रखिए, आयाराम गयाराम. और आयाराम गयाराम की बात क्यों करते हैं, हरियाणा के एक विधायक थे गयाराम, एक दिन में 5 पार्टी बदल दी, और जब लास्ट में अपनी मूल पार्टी में आए तो उन्होंने लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि गयाराम आयाराम. एक बात याद रखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वॉट इज बेसिक प्रॉब्लम जब कर्नाटका में देख रहे हैं. कर्नाटका में जैसे ही, याद रखिए 19वें, ये 16वें 17वें लोकसभा का चुनाव हुआ, वैसे ही सरकार गिरनी तय है. आपने देखा इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार, ये अब गिरेगी फिर रुक गई. जब पार्लियामेंट आता था ये सरकार गई फिर रुक गई. इसका सीधा सा मतलब है, जब सरकार के समय ही निश्चित नहीं है, सरकार काम क्या करेगी. सो सेकेंड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी. अब जरा सोच के देखिए, भारत जैसे देश में शासन स्थायी होना ज्यादा जरूरी है या रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा जरूरी है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम होती है, स्टेबल नहीं है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और आप देखेंगे, आपको बता दें 1996 से 1998 तक हमने 3 लोकसभा चुनाव करवाए और हम चुनाव पर आएंगे. अब आप देखिए, भारत जैसे विकासशील देश के लिए इतने चुनाव करवाने क्या वाजिब है. आपको पता है कितना चुनाव, हमारा चुनाव होता है दैट इज सेकेंड कॉस्टलीस्ट इलेक्शन आफ्टर US. अमेरिका के बाद दूसरा सबसे महंगा चुनाव भारत में होता है. ऑफिशियल आंकड़ा ये 3,500 करोड़ रुपए हमने पिछले चुनाव में खर्च किया, दैट इज ऑफिशियल. लोग तो कहते हैं नहीं, अनऑफिशियल बहुत ज्यादा है, इससे 10 गुना ज्यादा है. सवाल है कि
अब हम हर साल चुनाव कराते रहेंगे, भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। तो लोग कहते हैं नो, इनस्टेबिलिटी इज ग्रेटर प्रॉब्लम मदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक प्रॉब्लम और है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देखेंगे इस समय भारत का हेल्थ मिनिस्टर कौन है? कौन है? जेपी नड्डा। तो कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में भी आपको जानकारी, जैसे पंचायती राज मिनिस्ट्री है, नॉर्थ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, क्योंकि जीएस में सब व्यवहारिक चीजें खूब पूछ दी जाती हैं, जो मिनिस्ट्री बहुत बार बार फोकस में आती है उसे एग्जामिनर पूछ देगा। अब देखेंगे कि जेपी नड्डा इज हेल्थ मिनिस्टर, उनका प्रोफेशन क्या है? जेपी नड्डा है क्या? जेपी नड्डा का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है? वो डॉक्टर तो नहीं है। एंड हु इज अ डॉक्टर इन द कैबिनेट? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हेल्थ मिनिस्ट्री किसको मिलनी चाहिए थी? किसको मिली है? और कई बार तो ऐसा हुआ है, एक डॉक्टर थे सीपी ठाकुर, उनको मिल गया था कोयला मंत्रालय, बहुत नाराज हुए, उनके अरे मेरे प्रोफेशन कुछ तो इज्जत करते हैं। जनरल वी के सिंह कहाँ है? कहाँ पे है? राज्य मंत्री है वो विदेश में। तो जनरल बी के सिंह डिफेंस में होने चाहिए थे, विदेश में। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ निर्मला सीतारमन? शी इज अ लॉयर। अब निर्मला सीतारमन रक्षा संभाल रही हैं और वी के सिंह विदेश संभाल रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे विशेषता है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी इसमें विशेषज्ञता की बात ध्यान में नहीं रखी जाती। और आपको याद दिला दे, संसदीय शासन की प्रणाली प्रॉब्लम कहाँ करती है? लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, यानी जो व्यक्ति डॉक्टर होगा उसको कोयला मंत्रालय मिल सकता है, और जो व्यक्ति लॉयर होगा उसको मानव संसाधन मंत्रालय। स्मृति ईरानी क्या मिलना चाहिए था? सूचना प्रसारण। और कोई फिल्म मंत्रालय तो है नहीं दोस्तों, सीवाज एक्सपर्टीज इन, बोलती भी अच्छा है, वो सूचना प्रसारण उनको मिल जाता तो अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मिल गया मानव संसाधन, और कई बीसी को ठांस दिया, बीसी ने जाके कंप्लेन कर दिया मोदी से, उनका मैडम मैडम को आपने बना रखा है, ये तो एकदम क्लास टीचर जैसी बात करती है। अब भाई वो एक्ट्रेस थी भी, कभी सास बहू में सास को बहुत ठांसा था, और वादे तो उनकी पड़ी हुई थी, इसलिए शिकायत उन तक पहुंची। अभी आप देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम है। और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, मिनिस्टर, ओ माय गॉड, मिनिस्टर के ऊपर इतना काम का बोझ होता है। अब जरा सोच के देखिए, मिनिस्टर को क्या क्या देखना है? वन सर, वेन लालू प्रसाद यादव बिकेम द मिनिस्टर ऑफ रेल, लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री हुए थे तो रेल मंत्री के रूप में अच्छा काम किया, बिहार के लोग नाराज हो गए, उनका लालू तुम आजकल बिहार नहीं आ रहे हो। लालू प्रसाद यादव ने कहा, अरे मैं रेल मिनिस्टर देखूं या बिहार जाऊं? उनका नाना लालू तो आप बिहार आओ, बिना बिहार आए। और लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर हो गए तो बड़ा अच्छा काम किया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने बुला लिया, थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में लेक्चर दीजिए, तो प्रोफेसर लालू हो गए। बिहार के जनता ने कहा, नाना भाई हमें वो लालू नहीं चाहिए, हमें बिहार वाला लालू चाहिए जो खैनी ऐसे से खाता रहता है। जबकि लालू यादव कभी खैनी खाते नहीं, लेकिन ऐसा जब मंच पे जाते थे ऐसे करते थे, जनता को तो ओ माय गॉड मैं भी खैनी खाता हूँ, लालू भी खैनी खाते हैं। और लालू यादव मास्टर पॉलिटिशियन थे दोस्तों, वो जानते थे कि जनता की नब्ज कहाँ छिपी हुई है, कैसे जनता को अटैच किया जाता है। वो हमेशा अपनी फोटो कहाँ खिंचवाते थे? गाय के साथ दूध लगा रहे हैं, जनता ओ माय गॉड हम भी दूध लगाते हैं, जय लालू भैया, एकदम हूबहू वही, हूबहू वही। ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन की बड़ी कला होती है दोस्तों। जब लालू यादव को खैनी नहीं खाते थे, और आम जनता क्या समझती थी? वो हमारी तरह लालू यादव है। लेकिन लालू यादव की लालटेन बुझ गई, जनता नाराज हो गई, जनता का ना आपने बिहार आना छोड़ दिया। अब मंत्री पटना जाए या दिल्ली को देखे, मिनिस्टर आप समझते कितना बिजी काम होता है। अगर आप मिनिस्टर जितने भी सेक्रेटरी हैं, चाहे होम सेक्रेटरी है चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी है, इतना बिजी काम होता है, आपको क्या लगता है दोस्तों? इसलिए हमेशा जीवन बात सीखे जाए, आपको क्या लगता है स्टूडेंट लाइफ में बहुत पढ़ना पड़ता है, ओह माय गॉड कहाँ से जीवन खत्म हो जाता है, एकदम मुक्ति पा जाते? ना ना ना, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं काम बढ़ता चला जाएगा, मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अभी बहुत फ्री है, आप फक्कड़ है, किसी की चिंता नहीं है, जब मर्जी क्लास में आए, जब मर्जी झोला लेकर निकल गए, कौन पूछ लेगा? आगे आप नहीं कर सकते काम। जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं वो आप देखें कितने
घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं। अरुण जेटली देखिए हेल्थ गड़बड़ा गई काम करते करते, डायबिटिक तो पहले से थे, मिनिस्ट्री मेरी मिनिस्ट्री संभाल नहीं पाए। इसे देखें, और मोदी तो भूत की तरह दौड़ते, कभी बिहार कभी पटना कभी यहां कभी वहां। अब देखते तो क्या आदमी है यार, काम तो कई बार सोचते हैं आदमी है, कोई शक्तिमान वगैरह है। तो अब आप देखिए इसका मतलब जितने हायर ऑफिस में जाएंगे काम तो और अब करना पड़ेगा। तो बात सीधी सी है, इसीलिए अब सवाल है मिनिस्टर मिनिस्ट्री देखे, लोकसभा सीट देखे या पार्लियामेंट देखे। अब पार्लियामेंट में जाएगा तो लोग सवाल पूछेंगे, क्या सवाल पूछोगे, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब भी दे, उसके बाद बाहर निकले मीडिया, इस मामले पर आपका क्या राय है, क्या बताऊं क्या राय है। इसलिए मिनिस्टर अपने आप में बड़ा ही बिजी व्यक्ति है, बड़ा बिजी व्यक्ति है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, दैट लैक्स स्पेशलाइजेशन। अब जरा देखिए फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अगला देखें कि अध्यक्षीय शासन का, फिर इससे कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा। अच्छा देखिए एक बात याद रखिए, ऐसा भी होना बहुत बुरी बात नहीं है। जैसे हमने कहा कि जो डॉक्टर है उसको हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, एक दृष्टिकोण से आपको ऐसा लगता है कि इट्स लाइक स्पेशलाइजेशन, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखे तो आपको अच्छी बात लगेगी। और ये मैं तब सीख पाया, देखिए जीवन में सीखने का तो हमेशा अनुभव होता है, बशर्ते आप बस दिल दिमाग खुला रखिए। मैं कहीं जा रहा था तो मुझसे कोई प्राइवेट कंपनी के एक बड़े मैनेजर मिल गए, तो टाटा में काम करते थे। तो मैंने इसे बातचीत शुरू करने का, कि आपकी कंपनी कैसे काम करती है, कैसे काम होता है, आप कंपनी का सीईओ कौन है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी का रूल है कि जो कार की कंपनी होगी उसमें वो व्यक्ति कंपनी का सीईओ नहीं होगा जो उस एरिया का स्पेशलाइजेशन है। आईटी में हम कार वाले को भेजेंगे और कार वाले में आईटी को भेजेंगे। हमने कहा अरे ऐसा क्यों, उनका नहीं, उनका सीईओ काम बिजनेस बढ़ाना होता है, बाकी उसके पीछे नीचे 50 स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट की कमी थोड़ी है। इसलिए मंत्री विजनरी होना चाहिए। इसलिए और कई बार व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशलिस्ट, वट इज डिफिनेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, नोइंग एवरीथिंग अबाउट नथिंग, कुछ भी के बारे के बारे में सब कुछ जानते रहिए, स्पेशलाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एक आदमी जनरल, इसलिए आईएएस क्या होता है, स्पेशलिस्ट नहीं होता, जनरल आउटलुक होता है, और मैनेजर का आउटलुक जनरल होना चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका एरिया कहाँ हो जाएगा, हमेशा संकीर्ण। अब हम देखें आईएएस में क्या होता है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी जानना है, इकोनॉमी भी जानना है, साइंस टेक्नोलॉजी देना है, और सबका तो आपका अप्रोच अपने में वाइडर हो जाता है और एक को दूसरे जोड़ लेते हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो स्टूडेंट केवल बीएससी पढ़ा होगा उसका वो समाज को समझ पाएगा, आप कोई सा चीज क्यों पढ़ाइए, जरा सोच के आप देखिए, आपको सोसाइटी भी पता हो गई, इकोनॉमी पता हो गई, पॉलिटिक्स पता हो गया, लेकिन जो ईएस से जाता है, जो इंजीनियरिंग सर्विस से जाता है, उसको क्या पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जोड़ो घटाओ तार काटो तार जोड़ो, यही उसको पता है। अब देखिए उसका अप्रोच नैरो होगा या आपका, हाँ इंजीनियर का अप्रोच नैरो होता है, इसलिए हर एग्जाम का पता, इसलिए स्पेशलिस्ट होना हर जगह विशेषता ही नहीं होती, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो 50 टॉप के नीचे है, आपका तो विजन चाहिए। मिनिस्टर का, मिनिस्टर क्या होना चाहिए, वो विजन देता है, काम करने के लिए उसके पीछे 50 लोग हैं, मंत्री को काम थोड़ी करना है, डायरेक्शन देना है, एक डायरेक्शन में काम करना पड़े, और डायरेक्शन वही दे सकता है जिसका अप्रोच ज्यादा इंटीग्रेटेड हो। इसलिए आपसे हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच की मांग की जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़िए, पॉलिटिक्स उसमें भिड़ा दीजिए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक वो सोच लीजिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जितना होलिस्टिक अप्रोच होता है मेंस में आप अपने आप उतने अच्छे नंबर पा जाएंगे, नैरोअर अप्रोच से मामला नहीं बनता। अगला अब देखें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करता है, जो यूएस में है। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता लिख रहे हैं पहले, इसके बेसिक्स पहले समझ लें, क्योंकि ये बात आप जानते हैं, देयर इज अ थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो तीन विंग होते हैं, पहला है
लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी तो हर जगह इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी तो कहीं भी किसी भी डेमोक्रेटिक शासन में होगी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही होती है। जुडिशरी की बात हम नहीं करते, जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं तो हम केवल इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि तीसरा तो लोकतंत्र में हमेशा ऑटोनॉमस होता ही है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब अगर हम यूएस की बात करें, विच इज ए क्लासिकल मॉडल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यूएस में लेजिस्लेचर में दो हाउस है, पहला अपर हाउस है सीनेट, लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन। यूएस में दो हाउस है, पहला अपर हाउस दैट इज सीनेट एंड सेकेंड इज अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन। और आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर्स हैं। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स। और जुडिशरी तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमने जुडिशरी की बात नहीं की है, ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी इज ऑलवेज सपोज टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस। न्यायपालिका तो हमेशा स्वायत्त होती है, पृथक होती है, तो न्यायपालिका की समस्या ही नहीं है। अब आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में अब चूंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नाम ही दिखता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए सारा पावर कहां पे होता है, प्रेसिडेंट में, पार्लियामेंट में नहीं। और प्रेसिडेंट आप ये कहेंगे जो यहाँ पे जो कि मिनिस्टर्स होते हैं, आप याद रखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं, यहाँ भी मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ कैबिनेट का शासन होता है, यहाँ किसका शासन होता है, प्रेसिडेंट का। आप ये देखिए पूरे पावर के सेंटर में कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है। और आपको बता दें प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। हमारे संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो बात ध्यान देने की बात है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद का भाग है, संसद का सदस्य नहीं है। लेकिन हियर प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और अगर प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब है कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग हो गई। अगर प्रेसिडेंट उसका पार्ट नहीं है तो कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग हो गई। तो अगर हम विशेषता की बात करें, लिखने की बात करें, तो फिर इसको कंपैरिजन करें, पहला कि अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति किसी का संसदीय शासन में गोपनीयता का सिद्धांत क्यों अपनाया गया। गोपनीयता मतलब क्या है यार, अरे कैबिनेट की मीटिंग तो हर जगह गोपनीयता कोई सिद्धांत थोड़ी है। वो तो कौन सी बुक्स पढ़ती हो, आपको इसे पता बुक में उसने लिखा हुआ है। अच्छा, गोपनीयता, लक्ष्मीकांत किनारे कर दीजिए। आपको बता दी इंग्लिश में लक्ष्मीकांत कंपेरेटिवली बेटर है, और लेकिन वो आज के अगर अप्लाइड सवाल आप देख लीजिए, और हिंदी में तो लक्ष्मीकांत खराब है। आपको बता दें क्योंकि हिंदी के अनुवाद इतने खराब है, लोग भीड़ के हिसाब चलते हैं, मैं तक समझ नहीं पाया कि लोग पढ़ते क्यों है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, खतरों खिलाड़ी बनना तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, अनुवाद इतने गलत गलत हैं, शब्द इतने जटिल हैं। मैंने पढ़ी इसलिए आपको बता रहा हूँ। डीडी बसु पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, आपने बताया मेरी किताब मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा।
मतलब आपको सरल रास्ते चलने पसंद नहीं होता क्या? ये यही कही बात। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैं तो देख के दंग रह गया, किसी जीएस क्लास में किसी के स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि सर आप थोड़ा गहराई में नहीं पढ़ रहे हैं, गहराई में नहीं पढ़ रहे। मुझे समझ गहराई कैसे होती है यार। मैंने कहा मेरे दोस्त मैं गहरे में जाना पसंद नहीं करता, मैं सर पकड़ लेता हूं। इसलिए भाई आखिर में एग्जाम पेपर नहीं देख रहा है स्टूडेंट, भाई पेपर देखना है, क्वेश्चन देखना है, क्या पूछा था वो देखना है, उसमें गहरा उसे चला क्या होता है यार। इसलिए स्वाभाविक रूप में डोंट फॉलो द मॉब मेंटेलिटी। हमेशा कहते हैं लीडर बनना है अपने वे का प्रयोग करिए। और मैं फिर कहता हूं एनसीईआरटी 10 बार पढ़ लीजिए, इट इज मोर प्रॉफिटेबल। उसके बाद मैं सारी बात आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी के अलावा अगर किताब क्लास नोट्स भी आप पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बात आप पढ़ के आप देख लीजिए, कन्फ्यूज होइए और पढ़ के देखिए। गोपनीयता का सिद्धांत कोई सिद्धांत थोड़ी है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है। व्यक्ति के वर्क भाई गोपनीयता करती है, हर जगह गोपनीयता चलता है, तो ऐसा कोई सिद्धांत होता नहीं। किसी ने कहा ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी का से क्या है, आगे सब बता देंगे कानूनी जिम्मेदारी क्या है। अभी सब बता दें, अभी तो हम बेसिक बात बता रहे हैं, अभी तो हम उस उधर आगे गए ही नहीं। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, कई बच्चे बात नहीं मानते, सर तो ऐसे बोलते रहते हैं, सर अपनी किताब का प्रचार करते हैं, सर तो ऐसे बोलते रहते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। देखिए मेरा काम बताना है, फिर आपकी जिम्मेदारी है, मानना ना मानना फिर तो आपके पाले में है। और ये बात मैं बता दूं भाई आपके मैं अहित में तो कभी नहीं बताऊंगा कोई चीज जो आपका, तो अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं कम उसका आउटपुट आ रहा है, समझ नहीं रहे, दिमाग प्रेशर बन रहा है। अच्छा कई बच्चे जब मतलब कई बच्चों के लिए गहरा क्या है, जब ऐसा उलझा के बता दिया जब समझ में ना, अब गहरी पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई गहरी होकर समझ नहीं आ रहा है हमको। अगर आपको बहुत आसानी समझ जाए यार इतना ही सरल है, अरे सरल ही तो है। इसलिए आप कह दो दुनिया में सबसे कठिन क्या है, सरल होना सबसे कठिन यही है। और वही सिद्धांत बता दिया जाए तो विश्वास ही नहीं होता कि नहीं इतना भी सरल एग्जाम हो सकता है। तो आपको बता दें कि इधर उधर मत भागिए, एकदम से हमारी बात मानिए एकदम से, और हर हर विषय में ही काम करिए। अब सवाल है कि ये नहीं कि जो भीड़ पढ़ रही वही पढ़िए, अगर भीड़ के पीछे चलने से फायदा होता है सक्सेस रेट कहां जा रही है देख लीजिए, कहां इसका क्या परिणाम है। पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, क्यों पढ़े जा रहे हैं पता ही नहीं, पेपर देखा ही नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। अब वही बात मुझे बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता, अब आ जाइए इधर। तो पहला पॉइंट क्या है, अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होता है प्रेसिडेंट, अकोपाई द सेंट्रल पोजिशन। राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होता है। हाँ ये बात है कि जो इंग्लिश मीडियम में है वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल किताब इंग्लिश में लिखी गई है, इंग्लिश में कम से कम जीएस के लिए वो ठीक है कि बेसिक बातें उसे मिल जाती हैं। हिंदी में तो उसका अनुवाद ही एकदम अटपटा है, हिंदी में तो पढ़ना डेंजरस है वो किताब। दूसरी बात अगला, और अमेरिका में, और अमेरिका में राष्ट्रपति ही, अमेरिका में राष्ट्रपति ही संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रधान है। इन यूएस प्रेसिडेंट इज बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज अ रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अमेरिका में राष्ट्रपति ही संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रधान है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, अमेरिका में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव जैसा कुछ भी नहीं है, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है और वही क्या है संवैधानिक भी है। संविधान भी राष्ट्रपति को शक्तियां देता है और राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान कैसे है इसका एग्जांपल आप देखिए। अब देखिए हमारे यहां प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मतलब होता है जो लोकसभा में कम से कम मेजोरिटी का सपोर्ट ले ले, यानी प्रधानमंत्री अगर लोकसभा मेजोरिटी का सपोर्ट ले रहा है इसका मतलब समझ सकते हैं पॉलिटिकली ही शुड बी वेरी पावरफुल पर्सन। आप याद रखिए किसी का संवैधानिक रूप में शक्तिशाली होना अलग बात है, राजनीतिक रूप में शक्तिशाली होना अलग बात है। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को संवैधानिक शक्तियां नहीं है लेकिन राजनीतिक रूप में सबसे शक्तिशाली कौन है, प्रधानमंत्री। भाई अब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम पर अगर चुनाव भी लड़े जा रहे हैं तभी हम इस बात पर भी आएंगे कि वेदर इज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री,
अमेरिका और खास तौर पे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति क्या है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक रूप में पावरफुल हो सकता है, पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है। और आप जानते हैं डेमोक्रेसी में व्हाट इज ए सेंस ऑफ पावर? पॉलिटिकल पावर। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर ही मूल सेंस है। अगर पॉलिटिकली कोई पावरफुल नहीं है, और पॉलिटिकल पावर का मतलब है पावर ऑफ इलेक्शन, पावर ऑफ पीपल सपोर्ट, पावर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और जरा सोच के देखे, अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, द यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। संसदीय शासन में राष्ट्रपति कैसे होता है? पार्टी जिसको कह दे, अब सीधा से सीधा हु इज अ प्रेसिडेंट, चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमेशा मोदी के एहसान के नीचे दबे रहेंगे दोस्तों। और हमारे यहां तो वंस अपॉन अ टाइम जेल सिंह वाज द प्रेसिडेंट, और जेल सिंह प्रेसिडेंट इसलिए थे कि इंदिरा गांधी को उन पर कृपा थी। जेल सिंह तो यहां तक कहते थे अगर मैडम कहे तो मैं तो झाड़ू मारने को तैयार हूं, ये उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था। और सच मानिए ऐसा ही है। लेकिन प्रधानमंत्री बनना किसी के समर्थन से नहीं आएगा, जनता के समर्थन के अलावा। राष्ट्रपति बनने के लिए ठीक वैसा ही जैसे यहां प्रधानमंत्री होता है, ठीक वैसे यहां का क्या होता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इज पॉलिटिकली वेरी पावरफुल, क्योंकि वो जनता के द्वारा निर्वाचित है, जनता के समर्थन से आता है। अब राष्ट्रपति जनता के समर्थन से आता है, जनता के निर्वाचन से आता है, और संयोग की बात है संविधान उसको पावर देता ही है। इसीलिए शक्ति का केंद्र कौन हो जाता है? प्रेसिडेंट। शक्ति का केंद्र प्रेसिडेंट होता है। और एक खास बात है, हमारे यहां क्या है, शक्तियां कैबिनेट में होती हैं। आप याद रखिए, अध्यक्षीय शासन में कैबिनेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मिनिस्टर्स हैं, लेकिन मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट का रिलेशन बदल जाता है। हमारे यहां अगर कोई मिनिस्टर नाराज हो जाए और वो पार्टी छोड़ दे तो सरकार की सेहत पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ ही जाएगा। यहां पे नहीं। अब यहां मिनिस्टर्स, यहां देखिए, यहां हमने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। प्रधानमंत्री क्या है? समकक्षों में प्रधान है। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान है। यहां क्या है? राष्ट्रपति के समकक्ष कोई भी नहीं है। अभी अमेरिका में तीन तीन मंत्री को फायर किया गया, एक साल में तीन मंत्री बाहर। ट्रंप की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन बदल जाता है। कैसे? अगला पॉइंट, अध्यक्षीय शासन में, अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति ही शक्ति के केंद्र में होता है। प्रेसिडेंट इज द सेंटर ऑफ पावर। अध्यक्षीय शासन में, हाँ बता रहे हैं हमें फिर इसको, हम क्योंकि अलग सेंटेंस है, राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र होता है और मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। मिनिस्टर्स आर सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, अधीन अंडरलाइन, मिनिस्टर्स आर द सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, इसका मतलब यहां क्या होता है? समकक्ष, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। यहां क्या होता है? सबऑर्डिनेट। इसका मतलब है राष्ट्रपति जब चाहे तब मंत्री को हटा दे। क्यों? अगला पॉइंट, अध्यक्षीय शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अध्यक्षीय शासन शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर चलता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। अध्यक्षीय शासन शक्ति के पृथक्करण के आधार पर चलता है, इसीलिए राष्ट्रपति कांग्रेस का भाग नहीं होता। प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस। राष्ट्रपति कांग्रेस का भाग नहीं होता। इसलिए राष्ट्रपति कांग्रेस का भाग नहीं होता। और आपको याद दे, कांग्रेस है कौन?
सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों का मिला जुला रूप क्या है? दोनों मिलकर बनते कांग्रेस। तो राष्ट्रपति कांग्रेस का भाग नहीं है। और अगला, और मंत्री, और मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, और मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। मिनिस्टर्स कांट बी, कांट बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मंत्री कभी भी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब जरा सोच के देखिए, इसका मतलब है मंत्री अगर किसी विधायिका का मेंबर नहीं होगा तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच अलगाव हो गया कि नहीं हो गया? मंत्री कौन है? कार्यपालिका। इधर कौन है? विधायिका। इसलिए अगर यहां पे कोई सीनेटर है, यहां पे कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है और उसे मंत्री बनना है, तो इसकी मेंबरशिप छोड़ के आनी पड़ेगी। यहां जस्ट उल्टा है, वहां क्या है? अगर आप सांसद नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकते। इसे वहां क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर। यहां क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। यहां सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन का सीधा सा मतलब है, सेपरेशन कैसा? अब साफ तौर पे देखेंगे, वहां एक बात है, हमने कल भी बताया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पार्लियामेंट से आती है। यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कांग्रेस से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अब बताइए, मिनिस्टर्स कभी पावरफुल हो सकते हैं? मिनिस्टर्स किसकी कृपा पे हैं? प्रेसिडेंट की। मिनिस्टर तो पूरी तौर पे प्रेसिडेंट की कृपा से है। इसे प्रेसिडेंट जब चाहे तब उनको बाहर करे, जब चाहे अंदर करे, उससे सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां फर्क पड़ सकता है। राजीव गांधी के कैबिनेट से बीपी सिंह ने सरकार छोड़ दिया था। बीपी सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रिजाइन किया था। राजीव गांधी सरकार के लिए आफत आ गई और उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अगर कोई पॉपुलर मिनिस्टर है, एंड इफ यू आर फायरिंग दैट पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट, इसलिए मोदी चाहते हुए उमा भारती को बाहर नहीं कर पाए। उमा भारती इज वन ऑफ द बैड मिनिस्टर्स अमंग द मिनिस्ट्री। बहुत परफॉर्मिंग उनका नहीं रहा। अब किस तरीके से उनके मंत्रालय कम किए गए, राजीव प्रताप रूडी को बाहर किया गया, बहुत नाराज हुए। यहां ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिनट में बाहर करता है, कोई फर्क, जब चाहे अंदर, जब चाहे, बिकॉज हु इज बॉस? प्रेसिडेंट। जनता ने प्रेसिडेंट को चुना है, मिनिस्टर्स को नहीं। और यहां जनता ने मिनिस्टर्स को भी चुना है और पीएम को भी चुना है, रिलेशन ही बदल जाता है। इसलिए यूएस गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर। जब हम सेपरेशन की बात करते हैं, इसका मतलब और भी होता है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, विधायिका का चुनाव अलग होता है, दोनों अलग अलग चुनाव है। अमेरिका में इसमें प्रेसिडेंट कौन है? रिपब्लिकन पार्टी का। प्रेसिडेंट का चुनाव 4 साल के लिए, सीनेटर का चुनाव 6 साल के लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर 2 साल के लिए। हमारे यहां सब कुछ 5 साल, प्रेसिडेंट 5 साल, लोकसभा 5 साल और मिनिस्टर 5 साल, हर राज्यसभा 6 साल है। लेकिन यहां पे क्या है, यानी यहां विधायिका का चुनाव अलग होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता रहता है, दोनों का चुनाव अलग अलग है। इसका मतलब पृथक्करण कैसे? पृथक्करण 3 तरीके से। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन कैसा? कार्यों का, पदाधिकारियों का, कार्यकाल का। देयर इज 3 वैरायटीज ऑफ सेपरेशन। पहला, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। कार्य का मतलब है विधायिका काम केवल विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका काम क्या है? विधियों को क्रियान्वित करना। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस पहला। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पर्सनल फंक्शनरीज। पदाधिकारियों का अलगाव है, यानी जो पदाधिकारी यहां होगा वो यहां नहीं होगा, जो यहां होगा वो इसका मेंबर नहीं हो सकता। और तीसरा, सेपरेशन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल का, इनका कार्यकाल और इनका कार्यकाल और इनका कार्यकाल। और अमेरिका में तो हमेशा चलता है, अभी आप देखेंगे, प्रेसिडेंट बिलोंग टू द रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन इनमें किसका बहुमत आ गया है? डेमोक्रेट का। विधायिका कार्यपालिका अलग होती है। इसलिए व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर की प्रॉब्लम क्या है? भी अमेरिका में शटडाउन कैसे आया, आप यहां देखेंगे, जो अभी जरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर कंपेयर कर दें, भारत में अभी भी बजट का निर्माण हुआ,
जो भारत में बजट का निर्माण हुआ वो बजट किसके प्रपोजल से आया? हमारे यहां जितने भी लॉ होते हैं सब कैबिनेट ही आगे बढ़ाती है, वो मैं आगे पढ़ना भी है। कैबिनेट आगे बढ़ाएगी एंड अल्टीमेटली दैट इज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, सब काम कैबिनेट करती है। यहाँ पे विधि का निर्माण काम कार्यपालिका का नहीं है, किसका है? विधायिका का। बजट कौन पारित करेगा? विधायिका। अब अभी आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या आई, प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हमें पैसा चाहिए विधायिका से। प्रेसिडेंट ने कहा हमें पैसा चाहिए क्योंकि हमें दीवार बनवाना है। मैक्सिको मैक्सिको अमेरिका के बीच प्रेसिडेंट दीवार बनवाना चाहते थे, उनका पॉलिटिकल नारा पहले से था। तो अमेरिका ने कहा बजट में आप दीवार बनाने का भी पैसा शामिल करो। विधायिका ने कहा बूढ़े नहीं पैसा मिलेगा तुमको, पैसा तुमको नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा अगर तुम लोग बजट में दीवार का पैसा नहीं दोगे तो मैं बजट पे साइन नहीं करूंगा, लो पास कराओ। इसलिए हुआ कि बजट पारित ही नहीं हो पाया, और जब बजट पारित नहीं हो पाया तो सारे डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिला। इसी को क्या कहते हैं? शटडाउन। क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी नहीं। इंडिया में सरकार रहे और बजट पारित ना कर पाया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्यपालिका का बहुमत हमेशा विधायिका में रहेगा। यहां नहीं, बहुमत कार्यपालिका के दल का बहुमत विधायिका में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर लेवल पे सेपरेशन है। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बिलीव इन द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इसका मतलब है वहां क्या है? फ्यूजन। यहां क्या है? सेपरेशन। वहां कैबिनेट का पावर है, यहां क्या है? व्यक्ति में शक्तियां हैं, यहां व्यक्ति में शक्तियां हैं। वहां ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, यहां क्या है? हाथी का दांत दिखाने का भी खाने का एक। द सिमिलर टीथ बोथ फॉर अचीविंग एंड ईटिंग, बोथ फॉर सिम्बोलिक एज वेल एज रियल। और इसलिए वहां पीएम पीएम समकक्षों में प्रधान होता है, यहां प्रेसिडेंट के समकक्ष ही कोई नहीं है, केवल और केवल प्रधान, केवल केवल प्रधान। अब इसी बात को हम अलग अलग लिख दें, ये स्पष्ट हमने कर दिया कैसे वहां पे काम चलता है। अगला, अब जरा फिर इसको शब्दों में लिख दें, इसको हटा दें। सेपरेशन, इसका सेपरेशन, इसका सेपरेशन, इसका सेपरेशन, पूरा सेपरेशन चलता है पावर, प्रेसिडेंशियल शासन। और इसीलिए हमारे यहां पार्लियामेंट का चुनाव होता है और लोकसभा तय करती है कि कौन होगा पीएम, यहां पे जनता तय करती है कौन होगा प्रेसिडेंट, जनता तय करती है कौन होगा प्रेसिडेंट। इसलिए अमेरिका में चुनाव ही होता है ट्रंप के नाम पे, जनता ने ट्रंप के नाम के वोट दिया। व्यक्ति की शक्तियां केंद्रित होती हैं। इसी को हम एक लाइन में लिखे, कंपैरिजन में एक एक शब्द का प्रयोग कर दे। तो अब इसका पहला पावर है, यहां पे पावर लाइज इन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सेंटर ऑफ पावर। राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र माना जाता है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर है, यहां पे शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण, विधायिका की शक्तियां अलग है, कार्यपालिका की शक्तियां अलग है, और बाकायदा उनके टेन्योर अलग है, उनके एक पदाधिकारी अलग है, कार्यकाल अलग है, तो दैट इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरा, यहां कैबिनेट की बात होती है। यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट है, मंत्री तो होते हैं लेकिन शक्तियां कैबिनेट में नहीं है, प्रेसिडेंट में होती है। प्रेसिडेंट इज द सेंटर, और मंत्री या कैबिनेट प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट होता है, उसके अधीन होता है। मिनिस्टर्स आर सबॉर्डिनेट टू द मिनिस्टर सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के अधीन होते हैं। क्योंकि ये लॉजिक आपको हमेशा याद रखनी है, लोकतंत्र में देखिए निर्वाचन ही मूल है, जो जन चुनाव जीत सकता है वही पावरफुल है, और जो चुनाव से नहीं आया कभी पावरफुल नहीं हो सकता। तो मिनिस्टर चुनाव से आते रहे, मिनिस्टर तो दे आर हैंड पिक ऑफ प्रेसिडेंट,
तो जो प्रेसिडेंट ही को चुनेगा वो पावरफुल हो ही नहीं पाएगा। लोकतंत्र में फंडामेंटल पॉइंट आपको यही रखना है, जो जनता से जितना पॉपुलर पॉलिटिकली होगा उतना पावरफुल होगा, बाकी कोई सिद्धांत चलता नहीं। तीसरा चौथा, यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या है सिंगल इकहरी कार्यपालिका है, क्योंकि प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति है ट्रंप, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति है ट्रंप। और वहां पीएम है और यहां कौन है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है। अच्छा, जिन लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ा होगा, उन्हें कहा कि यार हमने तो ये भी पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो बात सही है, लेकिन हर चीज रिलेटिव होती है, वो कहीं और आपको बताएंगे। लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेरिजन करेंगे तो हम सेपरेशन ऑफ पावर फिर यहां पर लिखते हैं, यहां पर नहीं। या अगर आप इसको अभी हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आगे हम आपको बता देंगे क्यों ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता देखिए तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा शासन लग रहा है, ये या ये? क्या? अच्छा अच्छा पार्लियामेंट्री। क्यों पार्लियामेंट्री लग रहा है? अच्छा अच्छा मतलब कि अच्छा, इसका मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इसमें उत्तरदायी नहीं होता क्या? इसमें क्या एक बात याद रखिए यार, ये बताइए, एक बार अगर हमने प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए चुन लिया तो रोज वो सवाल जाके पूछेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, रोज जंतर मंतर पे रैली। यार एक बार तो प्रधानमंत्री को 5 साल काम करने दीजिए, और प्रेसिडेंट क्या है ट्रंप, 4 साल तक काम करेगा, कोई हटा नहीं सकता। वैसे भी एक्सेप्शन कहना ना, इम्पीचमेंट तो लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट इज एन एक्सेप्शनल प्रोविजन। अब जरा सोच के देखे, और अमेरिका में 90 के बाद जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं 8 साल तक हुए हैं, 4 साल तो उनको मिला ही, अगला भी टर्म मिल गया। 90 के बाद जितने प्रेसिडेंट यूएस के हैं उनके आप सब काउंट कर लीजिए, और 90 के पहले भी आप देखेंगे अमेरिका के लगभग 2/3 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार रिपीट किया, यानी प्रेसिडेंट 8 साल तक रहेगा, और हमारे यहाँ 4 साल 2 साल बीता नहीं, अविश्वास प्रस्ताव, ये क्या लफड़ा है विश्वास प्रस्ताव। याद रखिए ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा नहीं, और जो यहां मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, ये मंत्री केवल मंत्रालय वाला काम देखते हैं, यहां का मंत्री क्या करता है, संसद में भी बैठेगा, जनता के सामने भी जाएगा, मंत्रालय भी चलाएगा, ये शक्तिमान है क्या? ये यहां क्या है, एक काम करना है केवल, आपको मंत्रालय चलाना है, और हियर मिनिस्टर इज स्पेशलिस्ट। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर कौन होता है, जो सामान्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोफेसर होता है, उसको दिया जाएगा ये काम। वित्त मंत्री कौन होगा, वहां सेक्रेटरी, मंत्री की वजह सेक्रेटरी शब्द का प्रयोग होता है, तो सेक्रेटरी कौन होगा, हु इज इकोनॉमिस्ट, दे आर हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो। यहाँ पैसा नहीं है, इसलिए याद रखिए स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या आपका दिमाग करप्ट हो गया है दोस्त, कमाल की बात कह रहे हो यार, अभी तक तो हमने ये सुन, अरे भारत जैसे देश के लिए आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी का महत्व ही नहीं होता क्या, किसमें तब बताओ। आप लोग तो कह रहे हो कुनाना कि हमारा शासन बड़ा अच्छा है, अब जरा देखिए यहां स्टेबल शासन रहेगा पहला, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर है, तो इसकी अगर विशेषता देखी जाए सबसे बड़ी, ये देखिए एक रिस्पॉन्सिबल तो है भाई, 4 साल के बाद जनता पूछेगी, ट्रंप को 4 साल के बाद ही सब जनता के सामने देना है, रोज रोज नहीं। इसे यहां क्या है, यहां पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मंत्रियों सवाल नहीं, मंत्रियों का संसद से कोई काम नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर, मंत्री संसद में नहीं बैठेगा, संसद का भी मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं बैठेगा, बिल्कुल अलग आओ, लक्ष्मण रेखा है बीच में, ये नहीं कि झांकता इधर भी रहे उधर भी रहे।
और कई बार तो इसलिए हमारे संसदीय शासन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार वो मंत्री भी है सांसद भी है, यहाँ पे नहीं है। जो मंत्री है वो सांसद नहीं, जो सांसद है वो मंत्री नहीं, सीधा सवाल है। और अब देखेंगे प्रेसिडेंट अच्छे तरीके से शासन चलाता है, स्पेशलिस्ट को लेता है, प्रभावी तरीके से लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है। और यहाँ तो दोस्तों प्रधानमंत्री क्या हो गया है दोस्तों, हर तीसरे महीने पर एक चुनाव हो रहा है और कहा जाएगा वो सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर फाइनल है, ये फाइनल है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री का काम क्या है, मध्य प्रदेश के चुनाव में जाके मगजमारी करना? दोस्तों इंडिया में हर दूसरे साल एक चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री की पूरी एनर्जी कहाँ लग रही है? प्रधानमंत्री को फ्रांस जर्मनी और यूएस जाना चाहिए या मध्य प्रदेश राजस्थान? और दोस्तों यूपी का चुनाव है तो लोगों का अब ये क्वार्टर फाइनल है, एमपी का चुनाव तो सेमीफाइनल है। अरे कितना फाइनल कराओगे, अरे एक बार तो फाइनल कर लो, चार साल में एक चुनाव करवाइए, उसके बाद सरकार को मजे से काम करने दीजिए। यहां भी यहां तो दोस्तों दलों का पूरा भंडार है, महागठबंधन। यहां एक बात देखिए, प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उसके बाद पार्टी जैसे कोई चीज अब देख ही नहीं पाएंगे। यहां पार्टी क्या है, बरसाती मेंढक है, इट्स लाइक अ फ्रॉग इन द रेनी सीजन। अपने रेनी सीजन के फ्रॉग को देखा है, एक ही बार निकलता है उसके बाद गायब हो जाता है। यहाँ पे पार्टी एक बार निकली गायब हो जाएगी, एक ही आदमी है। यहाँ पे संवैधानिक प्रधान वास्तविक प्रधान, ये क्या लफड़ा है यार? और आप कह रहे हैं कि हमने संसदीय शासन अपनाया और संसदीय शासन में शक्तियों केंद्रीकरण नहीं होता। हमारा आपातकाल कहाँ लगा? इंदिरा गांधी से पावरफुल कोई प्राइम मिनिस्टर थी क्या? अमेरिका में इमरजेंसी लगी है हमारे यहाँ, अमेरिका में शक्तियों का दुरुपयोग है हमारे यहाँ, और आप तो करो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है। तो आप देखेंगे इसकी कुछ विशेषता है, जो इसकी विशेषता है उसकी खामी है, जो इसकी विशेषता है इसकी खामी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ठीक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बात कह दी इट इज बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे संविधान का बेसिक लक्षण है। लेकिन ये भी सच है कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी नहीं लाई जा सकती? कैसे, क्या बहुमत आप तय करेंगे? कई बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में बहुमत से शासन लाया जा सकता है। अच्छा यहां तक स्पष्ट है, तो आपको बता दें यहां का प्रॉफिट क्या है, स्टेबिलिटी पहला, स्पेशलाइजेशन दूसरा, यही यहां का घाटा है। लेकिन यहां का घाटा क्या है, शटडाउन, शक्तियों का संघर्ष, ये घाटा है, और शक्तियों केंद्रीकरण ये घाटा है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ा घाटा है। तो एक के फायदे हैं दूसरे के घाटे हैं। अब बताइए संसदीय शासन में नियमित समय पर चुनाव हो सकता है? संसदीय शासन में नियमित समय पर चुनाव हो सकता है? निश्चित समय पर चुनाव हो सकता है या नहीं? क्या अब अच्छा यहां तो कुछ पूछना, आगे बढ़े, यहां तो कुछ पूछना आगे बढ़े, अगर यहां कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या हाँ बताओ बताइए, वो तो मालिक से बता देंगे। अच्छा बता पूछ लो। ना 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 ये सब लफड़ा नहीं, को कंप है ही नहीं, कंपलसरी नहीं है, कहां से पढ़ लिया होते है? अरे यार वो इम्पीचमेंट है, अरे इम्पीचमेंट ही एक्सेप्शन, अविश्वास और इम्पीचमेंट एकदम अलग अलग है, इम्पीचमेंट तो हर जगह है। अरे हमने कहा दोनों अलग अलग चीजें हैं यार, इम्पीचमेंट एकदम अलग चीज है, एक्सेप्शनल प्रोविजन है। अविश्वास तो आप एक सत्र में कभी भी ला दीजिए, कभी भी ला दीजिए, दोनों अलग चीजें हैं। अविश्वास सिंपल मेजोरिटी से होता है, इम्पीचमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होता है, दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। अब आप बताइए आगे बढ़े, अब देख हाँ बताइए, प्रेसिडेंट की अच्छा शटडाउन, भाई सीधी सी बात है, देखिए वहां पे शक्ति का पृथक्करण है, तो बजट काम करने का मूल दायित्व किसका है, विधायिका का,
बजट विधायिका बनाएगी, विधायिका पारित करेगी, लेकिन चूंकि कार्यपालिका का हेड प्रेसिडेंट है तो बजट पे सिग्नेचर तो उसी का होगा। कार्यपालिका का मूल काम है चीज़ों को क्रियान्वित करना, विधायिका का काम है कि पैसे का एलोकेशन करना। पैसा खर्च करने वाला काम तो कार्यपालिका का है, पैसा देने वाला काम किसका है? विधायिका। ये सेपरेशन ऑफ पावर है, स्पष्ट है ये बात? स्पष्ट है। अब पैसा कितना दिया जाएगा ये विधायिका तय करेगी, तय करेगी। राष्ट्रपति कह रहा है नहीं, इसके लिए हमें विशेष पैसा चाहिए दीवाल के लिए। विधायिका ने कहा ना, हम नहीं देंगे। तो राष्ट्रपति ने कहा जब तुम पैसा दोगे नहीं तो हम खर्च ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्नेचर नहीं करेंगे, और सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक बजट पारित नहीं माना जाएगा, इसलिए सरकारी डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिलेगा। उसी को लोकप्रिय भाषा में क्या कहा गया? शटडाउन। और अमेरिका में होता ही रहता है, 3-4 साल बाद एक बार हो जाएगा। और जरा सोच के देखिए, एक खास बात है, हमारे यहाँ तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दल की मेजोरिटी आ गई तब कोई विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, अमेरिका में तो हमेशा ऐसा होता है। अमेरिका में एक सीनेट में किसी और की मेजोरिटी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसी और की, वहां तो हमेशा होता है प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कोई और पार्टी, सीनेट में कोई और पार्टी, अलग अलग होते रहते हैं, इसे वहां तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता है। अब इतनी मेच्योर डेमोक्रेसी है, थोड़ा शक्तिशाली देश है, सह लेता है, हमारे यहाँ थोड़ा लफड़ा है, हम इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं सह पाएंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्तमान घटनाक्रम, जैसे कई बार कहते हैं कि करंट अफेयर जैसा सही में कुछ चीज होता नहीं। अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो हर जो वर्तमान घटनाक्रम है उसका बेसिक्स आपको बिना कुछ पढ़े ही पता चल जाएगा। मैं सवाल यही पूछ रहा हूं कि क्या अध्यक्षीय शासन फिक्स टर्म पे चुनाव होते हैं? इसका चुनाव फिक्स टर्म है, यहां तक कि वहां कह दिया 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेगा, इसका फिक्स टर्म है 20 जनवरी को ही। लेकिन यहां क्या है, कभी चुनाव हो सकता है, यहां चुनाव का मौसम कभी भी आ सकता है दोस्तों। तो सवाल हमारा ये है, पिछली बार अगर एग्जाम में सवाल पूछा गया क्या संसदीय शासन में एक साथ चुनाव कराने से उत्तरदायित्व तो घट जाएगा, ये जीएस का सवाल था। तो अगर हमें अध्यक्षीय और संसदीय शासन की बेसिक बातें बतानी है तो क्या इस बात का उत्तर हम दे सकते हैं? नहीं। तो आप बताइए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक साथ चुनाव हो सकता है प्रेसिडेंशियल में? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक साथ चुनाव हो सकता है या नहीं? क्या? अच्छा, दूसरा, ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक साथ चुनाव कराने के नाम पे हम इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? एक बात याद रखिए, कई लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक साथ चुनाव कराना क्यों समस्या है, उसके बहुत सारे आर्गुमेंट हैं। अब आप लिख लीजिए इसे, इस बात को अगर हमें लिखना हो तो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी हमें सिद्धांत पता चल गया, उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिकल उत्तर का हम दे सकते हैं कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक साथ चुनाव हो सकता है या नहीं। अगला हेडिंग, किसमें एकदम लाया जा सकता, महाभियोग का प्रावधान तो हर लिखित संविधान में, कॉमन सेंस की कुछ बातें हर दुनिया के हर संविधान में, वो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, हर जगह है। लेकिन इम्पीचमेंट तो एक्सेप्शनल प्रोविजन होता है, संसदीय शासन में साथ साथ चुनाव, द साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस वर्तमान घटनाक्रम को देख के फिर संसदीय शासन पर लौटेंगे। इससे हमने एक सिद्धांत से वर्तमान घटनाक्रम को जोड़ दिया, संसदीय शासन में साथ साथ चुनाव, द साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए आंसर हम कैसे लिखते हैं, इशू वाइज। हम आंसर ऐसे नहीं लिखते कि राष्ट्रपति ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, उप राष्ट्रपति ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, इन्होंने कहा, इट डजंट मैटर। मुद्दे क्या है, आखिर में इशूज क्या है एक साथ चुनाव कराने के? तो इशूज आपको बता दें, पहला संसदीय शासन, पहला इशू होगा संसदीय शासन और एक साथ चुनाव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अच्छा, आपको एक सवाल पूछे,
कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर पीटी के हिसाब से पूछें तो विच वॉज द मोस्ट इसेंशियल विशेषता, कौन सी सबसे इसेंशियल फीचर इसमें? सेपरेशन ऑफ पावर. अच्छा दूसरा, राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्या? जनता के प्रति. यहां लोकसभा के प्रति. ऐसे किसी के प्रति नहीं. अरे डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा. तो आप देखेंगे संसदीय शासन, पहला पॉइंट. पहला संसदीय शासन पहला हेडिंग है. एक साथ चुनाव पहला इशू हम देख लें. संसदीय शासन का पहला इशू है. पहला संसदीय शासन नित्य प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी. संसदीय शासन नित्य प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं हो सकता. विद टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव कान बी फिक्स्ड. जिसमें कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं हो सकता. इसलिए एक साथ चुनाव भी संभव नहीं है. Therefore, simultaneous elections are almost impossible. इसलिए एक साथ चुनाव भी संभव नहीं है. एक साथ चुनाव संभव नहीं है. तो अब साहब अगर अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि एक साथ चुनाव कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी भी आप सरकार के कार्यकाल को फिक्स कर ही नहीं सकते. अब कर्नाटका में अपने चुनाव करवा दिया, अब कर्नाटका में सरकार कब तक होगी ये निश्चित नहीं है. यानी अगर आपको एक साथ चुनाव करवाना है तो नित्य प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बदलना ही पड़ेगा. फिक्स टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ेगी. और फिक्स टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी विशेषता है? तो बात सीधा है दोस्तों, कहीं पे निगाहें लोग करें साथ साथ चुनाव, साथ साथ चुनाव, साथ साथ चुनाव का मुद्दा है या इधर जाने का मुद्दा है? पहली समस्या है. दूसरा में एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जब हम जिसको बताएंगे बाद में, संघात्मक शासन और साथ साथ चुनाव. दूसरा इशू है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम अलग से देखेंगे. लेकिन क्या क्या हम इशूज लेते हैं आपको याद दिला दें, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और साथ साथ चुनाव. संघात्मक शासन और एक साथ चुनाव. तो पहला पॉइंट, संघात्मक शासन में, संघात्मक शासन में संघ और राज्य के, संघ और राज्य के चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं. When the issues of election in the federal form of government varies from state to state. संघात्मक शासन में संघ और राज्य के चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं. इसलिए संघ और राज्य के चुनाव पृथक होने चाहिए. संघ राज्य के चुनाव पृथक होने चाहिए क्योंकि राज्य स्वायत्त होते हैं, स्टेट आर ऑटोनॉमस. राज्य स्वायत्त होते हैं, स्टेट आर ऑटोनॉमस. देयरफॉर सेपरेट इलेक्शन इज मैंडेटरी. राज्य स्वायत्त होते हैं इसलिए
उनके चुनाव भी पृथक होने चाहिए। एक खास बात आप देखेंगे, कई बार ऐसा होता है जब नेशनल इलेक्शन होता है, नेशनल इलेक्शन होता है तो रीजनल इश्यूज दब जाते हैं। और आप याद रखिए, हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, उसमें भारत में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। अब जब भी नेशनल इशू हो जाता है, जैसे 84 का इलेक्शन हुआ, तो उसमें तो रीजनल पार्टीज की बिल्कुल हवा खराब हो गई। राजीव गांधी लैंडस्लाइड मेजोरिटी जीते 1971। अब खासतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ संघी शासन है, संघी शासन का मतलब स्टेट आर ऑटोनॉमस, इधर प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी रीजन इज सेपरेट। तो अब एक साथ चुनाव करके कहीं ना कहीं रीजनल टेंडेंसीज को सप्रेस करना चाहते हैं। ये रीजनल टेंडेंसीज को सप्रेस करना होगा या राज्यों की स्वायत्ता को, सिंस वी आर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अलग चैप्टर से ही पढ़ना है। तो कई लोग कहते हैं ना, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग चुनाव तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें करने क्या बात है। तो एक चुनाव के बहाने क्या किया जा रहा है, अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, एक चुनाव के नाम पर क्षेत्रीय दलों को हतोत्साहित किया जाएगा। ऑन द नेम ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस रीजनल पार्टीज वेयर रीजनल पार्टीज विल बी डिस्करेज्ड, इट विल बी डिस्करेजमेंट फॉर द रीजनल पार्टीज। क्षेत्रीय दलों के लिए ये ठीक स्थिति नहीं होगी, इससे क्षेत्रीय दलों का दमन किया जाएगा। अगला हेडिंग है, यह है प्रशासनिक समस्या, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, या संवैधानिक और प्रशासनिक समस्या, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। संवैधानिक और प्रशासनिक समस्या, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। संवैधानिक और प्रशासनिक समस्या, तो पहला पॉइंट, एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। देयर इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर होल्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एक साथ चुनाव करवाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब इसके दो परिणाम होंगे, जैसे अब मान लीजिए कि हम अगला लोकसभा इलेक्शन ले रहे हैं, तो राज्य के हिसाब से तो लोकसभा इलेक्शन फिक्स नहीं कर सकते, लोकसभा के हिसाब से राज्यों को फिक्स कर ले। तो अब जरा सोच के देखिए, जो अगला लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें राजस्थान एमपी का चुनाव तो हो नहीं सकता, मतलब एक ही साल 6 महीने भी नहीं हुआ है, तो ये क्यों चुनाव करने को तैयार होंगे। अब किसी भी कंडीशन है, और मान लीजिए कि ठीक है, अगर आप 2 स्पेल में करना चाहें तो भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कुछ राज्यों को फायदा होगा, जिनका टेंडर पूरा करने वाला है उनको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, जिनका टेंडर खत्म और उनको विधानसभा पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा। इन सब चीज के लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है, विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल के है, और इमरजेंसी के अलावा इनका कार्यकाल बढ़ा ही नहीं जा सकता, संविधान में ऐसा है, तो संविधान के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। सो देयरफॉर देयर इज नीड ऑफ अमेंडमेंट। और माना कि आपने अमेंडमेंट्स ऐसा कोई डेट फिक्स कर लिया कि ठीक है अगली बार कुछ क्या करेंगे, कुछ विधानसभा कार्यकाल 1-2 साल बढ़ाएंगे, जिनका बढ़ाएंगे उनका ठीक है, जिन्हें कम करेंगे गदर मचा देंगे वो। और ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने करा ही लिया, तो कश्मीर में क्या हुआ, अभी सरकार गिर गई, यानी संसदीय शासन में सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, एंड गवर्नमेंट कैन लूज द ट्रस्ट मोशन एट एनी मोमेंट। तो आप इस संशोधन के बाद भी आप एक साथ चुनाव करा पाएंगे, दैट इज इशू ऑफ सीरियस ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम है उसमें। तो अगला, इसके बावजूद, संविधान संशोधन के बावजूद भी संविधान संशोधन के बावजूद भी 7-7 चुनाव करने में कठिनाई है, साथ साथ चुनाव करने में कठिनाई है,
क्योंकि साथ साथ चुनाव करने में कठिनाई है, क्योंकि कभी क्योंकि सरकार कभी भी अपना विश्वास खो सकती है. गवर्नमेंट कैन लॉस इट्स ट्रस्ट एनी टाइम इन द हाउस. सरकार कभी भी अपना विश्वास खो सकती है. सरकार कभी भी अपना विश्वास खो सकती है, प्रॉब्लम है. और आप जानते हैं हमारी, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि संसद ने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने कह भी दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप याद रखिए, इस मकान में कोई चेंज करना हो तो दरवाजा यहां से यहां करेंगे, पिलर हटा देंगे. इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द पिलर्स, पिलर हटाएंगे, मकान को ढा देंगे. अब इसलिए देर इज सम पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है कि भाई देखो ये तो पिलर है, इसको आप हटा ही नहीं सकते. इसलिए आप देखेंगे हर मामले में एक साथ चुनाव करने में प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन इसके आर्गुमेंट में के फेवर में कुछ बोले, पहला तो ये अपने आप में, इसलिए एग्जाम में क्या पूछा गया, एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि साथ साथ चुनाव कराइए न कराइए, उसने कहा कि क्या ये उत्तरदायित्व के खिलाफ जाता है, एक साथ चुनाव करना उत्तरदायित्व के खिलाफ है. इसका मतलब उत्तरदायित्व के खिलाफ तो लग ही रहा है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन का उत्तरदायित्व नहीं होगा, 5 साल का उत्तरदायित्व होगा. लेकिन अब सवाल अगला आता है, ये बताइए दोस्तों, डेमोक्रेसी में चुनाव करवाना पर्पज है या सामाजिक न्याय? व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेमोक्रेसी? सोशल जस्टिस. हमारा मूल पर्पज क्या है? सामाजिक न्याय. केवल चुनाव करवाना नहीं, वी डोंट वॉन्ट टू हेल्ड द इलेक्शन फॉर सेक ऑफ इलेक्शन. और हमारे यहाँ, हमारे भारत जैसे गरीब देश में तो हर साल हम चुनाव के मैदान में हैं. कभी पंचायत का चुनाव, कभी राज्य का चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव. इसे कहते हैं चुनाव थकान, इलेक्शन फटीक. हम चुनाव देते थे तो थक गए हैं. अब यार सोच के देखिए, चुनाव में पैसा खर्च होना चाहिए या शिक्षा और स्वास्थ्य में? तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप हर साल चुनाव कराते जाएंगे. अच्छा, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सरकार कुछ करे भी या केवल निर्वाचन होना एसेंशियल है. आपको हम बता दें, इलेक्शन इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, नॉट सफिशियंट कंडीशन. चुनाव कराना लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता है, पर्याप्त विशेषता नहीं है. यानी आपको याद रखिए, पढ़ना अनिवार्य विशेषता है, पर्याप्त विशेषता नहीं है. ठीक से पढ़ना पर्याप्त है तो आप चुनाव कराते रहिए. अगर 16 लोकसभा चुनाव कराना ही लोकतंत्र की सफलता की कहानी है या सामाजिक आर्थिक न्याय हो जाना? और जरा सामाजिक आर्थिक न्याय होने के लिए क्या होना पड़ेगा? गवर्नमेंट स्टेबल होनी पड़ेगी. और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार का कॉन्सेप्ट है. इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, साथ साथ चुनाव होने चाहिए. इट डजेंट गोज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और कई तरीके हम ला सकते हैं. साथ साथ चुनाव क्यों संभव है? एंड वाई वी कैन स्पीक इन फेवर ऑफ इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन. अब आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन तो कोई पार्टी का इंस्टीट्यूशन है नहीं. और आपको बता दें, इलेक्शन पे कितने खर्चे होते हैं इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते. आपको लगता होगा कि इलेक्शन इलेक्शन पर एक महीने पहले पूरी एक्सरसाइज शुरू होती है पूरा का. और दोस्तों याद रखिए, जब इलेक्शन हम करवाते हैं, ये बताइए, डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को किस लिए लगा रखा है? किस लगा रखा है? सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए नहीं. और आप जानते हैं, जब भी इलेक्शन आ जाता है, और हमारे यहाँ तो ये है, इलेक्शन आ गया और आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा. इलेक्शन आ गया इसका मतलब है सरकार कोई नई नीतियों घोषणा नहीं कर सकती. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया 2 महीने पहले. इलेक्शन डेट आया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया. उसका मतलब है कि आप कोई नई कार्यक्रम नहीं बना सकते, नई नीतियों घोषणा नहीं कर सकते. सरकार को सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी. और जितने अधिकारी हैं सबको हम ऑब्जर्वर बना के भेजते हैं. टीएन सेशन ने एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीन तीन ऑब्जर्वर भेजा था. ऑब्जर्वर होता कौन है? आईएएस, सिविल सर्वेंट. अब पूरे हिंदुस्तान ने आईएएस अधिकारियों को हमने कहां झोंक दिया 3 महीने चुनाव में, और हर तीसरे साल यही नौटंकी हो रही. आपको क्या लगता है, एमपी में चुनाव होने वाले में मुंबई में जो आईआरएस पोस्टेड है उसको भेजा गया मध्य प्रदेश, उसका काम आपने निराश किया कि नहीं?
काम उसको अलग आया था किसी और के लिए, आप कहीं और करवा रहे हो। जैसे टीचर सबसे पहले फंसता है चुनाव में, सरकारी टीचर, अगर टीचर काम पढ़ाना है चुनाव करवाना है, अब उसका चुनाव करवा रहे हो आप अधिकारियों से। और एक बात याद रखिए, जब चुनाव हो जाता अधिकारी और किसी बात को सुनते नहीं, क्योंकि चुनाव इधर उधर हो गया तो उनके फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, नौकरी तक खतरे में जाएगी, क्योंकि चुनाव बहुत जरूरी है। बाकी कोई काम कर ना पाए कोई नहीं पूछेगा, चुनाव में गड़बड़ हो गया पूरी नजर आ जाएगी। इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा काम क्या हो गया है, चुनाव करवाना। करवाइए चुनाव, करवाते रहिए रोज रोज। अब बताइए दोस्तों, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहां फ्रांस में एक फर्क है। अच्छा, हम कई बार कहते हैं जब किसी वक्त से पूछे कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई चेंज होना चाहिए, ना ना बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। मुझे पूछो क्यों, तो 50 साल से प्रयोग कर रहे हैं, 50 साल से। बुद्धिमान आदमी इसका मतलब ये मानता है कि अच्छा ये बेवकूफी 50 साल से करता रहा है। जब हम ये बताते हैं कि ये काम मैं इतने साल से कर रहा हूं, इसके दो मतलब होते हैं, हो सकता है वो काम इतने साल से गलत तरीके से होता रहा हो, तो गलत तरीके से रहो। अब तो करेक्ट कर लो, 1956 में फ्रांस में चार्ल्स डी गोले आया और वहां भी संसदीय शासन प्रणाली अपना रखी थी, और रोज ही 12 साल में 24 चुनाव। चार्ल्स डिगोले शासन की, ये क्या ड्रामा चल रखा है। उनका सर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म को डिगोले कहां से लिया, उनका इंग्लैंड से। उनका महारानी छोड़ो, ऐसा शासन अपनाओ जिसमें ये नहीं रहेगा, वी नीड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और फ्रांस ने धन से परिवर्तन किया, 12 साल के एक्सपीरियंस बाद परिवर्तन कर लिया और तुरंत चेंज कर लिया। और हम 1989 से 2014 तक वो मजा लिया गठबंधन सरकार का दोस्तों, 25 साल देश हलाकान हो गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कुछ हुआ नहीं हुआ ये डिप डाउट का विषय दोस्तों। 25 साल में दोस्तों, उस समय उदारीकरण भूमंडलीकरण पूरी दुनिया जिस समय चेंज हो रही थी, जिस समय हमारे पास अवसर था, हम चुनाव करवाने में लगे हुए थे दोस्तों। ये क्या ड्रामा है, चेंज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अब करें पार्लियामेंट तो कैसे करेंगे, इधर अपना करिए, इधे में करेक्शन करके हो सकता है, एक एक साथ चुनाव हो सकता है दोस्तों। इतना बड़ा खर्च हम ला रहे हैं चुनाव पे, देश वाला कानून हो जा रहा है पूरा। और इलेक्शन कमीशन तो किसी पार्टी की इंस्टीट्यूशन नहीं है, लॉ कमीशन रिपोर्ट दिया है, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट दिया है, और ये तो एकदम न्यूट्रल बॉडीज हैं जो कह रहे हैं एक साथ चुनाव कराइए। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, हाँ तुम्हारे, क्योंकि अदर सोच के देखे, राजस्थान चुनाव कराने के लिए वही ईवीएम हमने भेजी, राजस्थान चुनाव कराने के लिए वही अधिकारी तैनात किए, जब ये 6 महीने बाद फिर तैनात करेंगे फिर ईवीएम भेजेंगे। और हमारे यहाँ चुनाव कराना, वो माई गॉड कितना डिफिकल्ट काम है। चुनाव गुजरात में हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन का नियम यह है कि 2 किलोमीटर के दायरे में एक पोलिंग बूथ होना चाहिए। अब गिर के जंगल में एक आदमी था दोस्तों, एक पुजारी का घर था, अब उसका चुनाव करवाने के लिए, अब उसमें हाथी के पीछे ईवीएम बांध के ढेंचुक चले जा रहे हैं दोस्तों। लद्दाख में जाइए, लद्दाख में तो यह हाल है कि पूरे के पूरे लद्दाख क्षेत्र में आप चले गए, 3 किलोमीटर एक आदमी से घर से झांक रहा है। अब बर्फ पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई दोस्तों। चुनाव करना इतना कठिन काम है, आपके यहाँ कोई शादी ब्याह होता है तो एक शेड्यूल निकालने में आप फजीयत हो जाती है। चाचा कहेंगे हमारी छुट्टी नहीं है, ताऊ कहेंगे हम नहीं आ सकते, भतीजा कहेगा हम नहीं आ सकते। देश में चुनाव करना, एक शेड्यूल फिक्स करने में कितना समय लगता है, क्यों त्यौहार नहीं होने चाहिए, एग्जाम नहीं होने चाहिए, तूफान नहीं आना चाहिए, बरसात नहीं होनी चाहिए, बर्फ नहीं पड़नी चाहिए, तो ऐसा कौन सा मौसम निकलेगा। आपको लगता है कि शेड्यूल तय करना शेड्यूल भी करना मुश्किल काम होता है, एक एक काम। उसके बाद एक अधिकारियों को ट्रेनिंग दीजिए, बूथ पे लगाइए, उसके बाद ईवीएम पहुंचाइए, उसको गिनिए, उसके बाद उसका किसका, अभी कुछ लोग कह रहे हैं हमें पर्ची भी चाहिए, कहा हमने ले ले लो पर्ची। पर्ची निकलवाने चक्कर में करोड़ों हजार करोड़ रुपए पर्ची निकलवाने चक्कर में खर्च किया हमने, लो पर्ची, पर्ची ले रहे हैं। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, आप जरा सोचो, यही तो पर्ची निकल ले रहे हैं, लेना कुछ और चाहिए, क्या ले रहे हैं, लेते रहो पर्ची दोस्तों। अरे पर्ची लेना है 5 साल में एक ही बार लो यार, हर 3 महीने क्यों ले रहे हो, और हर हमेशा यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ इलेक्शन करवाएं दोस्तों, ओ माय गॉड व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क इट इज। कुरैशी साहब जब इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने कहा कि एक बार हम स्वीडन के दौरे पे गए इलेक्शन देखने, वहाँ इलेक्शन होता कैसे है, सब लोग इलेक्शन करके चले आ रहे थे,
तो वहां भी नेल पॉलिश नहीं लगाते जो यहाँ पे हमारे यहाँ लगाते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसा नेल पॉलिश लगाते हैं शादी का कोई बंधन इतना मजबूत नहीं होता, 2 महीने खिसकता नहीं है। तो कुरैशी साहब ने वहां पूछा कि अरे ये चुनाव लेके आ रहे हैं ये, आपने ये नेल पॉलिश को नहीं लगाया? भाई क्यों? उनका दोबारा कोई वोट कर दे तो? हाउ यू कैन थिंक, मतलब वो हैरान है कि आप सोच कैसे सकते हो ये बात, अब हम क्या बताएं कैसे सोच सकते हैं दोस्तों। हमारे क्या होते हैं, एक बार सलवार सूट पहन के वोट मारा, और एक बार देखिए आई कार्ड बन गया दोस्तों, कोई यूज नहीं। क्यों? अरे फोटो आई कार्ड बन किसका मुंह दिखेंगे गांव में जाके, बहन बेटियों का मुंह दिखेंगे, वो लठ पड़ेगा कि भाई जाएंगे दोस्तों अब ये लो। दोस्तों ये यूरोप थोड़े है। और एक बात याद दिला दे, हमारे 80 करोड़ मतदाता है, कितना पूरे नहीं, हमारे यहाँ चुनाव कराने का मतलब है पूरे 27 यूरोपीय देशों में एक साथ चुनाव करे प्लस कनाडा प्लस अमेरिका, 30 देशों में एक साथ चुनाव करवाइए इज इक्वल टू इंडिया में चुनाव करवाइए। अब ऑस्ट्रेलिया में अलग है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक बैन जाती है घर के सामने, लोग जाके बटन दबा देंगे, हमारे यहाँ बैन ही लेके भाग जाएंगे। ये तो यकीन मानिए, टीएन सेशन जब आए थे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो उन्होंने बहुत सख्त चुनाव करवाया था, और टीएन सेशन जब सीआरपीएफ तैनात करने शुरू की तब थोड़ा मामला मैनेजेबल हुआ, नहीं तो अभी भी दोस्तों बड़ी समस्या है। आप बताइए, कमाल की बात है। इसलिए एक साथ चुनाव करने का हम समर्थन करेंगे। अगला आर्गूमेंट, अगला हेडिंग है संसदीय शासन में परिवर्तन, चेंज इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसदीय शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु संसदीय शासन में स्थायित्व के लिए फॉर मेकिंग स्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन में स्थायित्व के लिए एवं एक साथ चुनाव के लिए एक साथ चुनाव के लिए परिवर्तन आवश्यक है। एक साथ चुनाव के लिए परिवर्तन आवश्यक है और संसदीय शासन में भी इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन में भी स्थायित्व का निर्माण करके एक साथ चुनाव कराया जा सकता है। वी कैन मेंटेन स्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एक साथ चुनाव कराया जा सकता है, स्थायित्व का निर्माण करके एक साथ चुनाव कराया जा सकता है अच्छा किसी ने कहा कि आजादी के बाद तो हमारे एक ही साथ चुनाव हो रहा था, फिर हमने बदल क्यों दिया? बदल नहीं दिया, ऐसा हो गया क्योंकि 1971 में पहली बार लोकसभा का प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कर दिया गया। इसका मतलब है, जिसे कहते हैं कि पहली बार हमने लोकसभा को समय अवधि से पहले भंग कर दिया। इस वजह से 71 में बाद ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन पहले हो गया
और राज्यों के इलेक्शन बाद में होने लगे। 71 तक ही साथ चल रहा था, 71 से अलग अलग हो गया। और ये कारण, पहला कारण ये है। दूसरा, अब देखेंगे राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी 67 के बाद, तो कई राज्यों में कोलिशन गवर्नमेंट बने, और कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर शासन किया और बहुत सारी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, तो दैट डजंट बिकेम द स्टेबल गवर्नमेंट। उसमें क्या हुआ कि इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हुई, अलग अलग चुनाव होने लगे। इसलिए व्यवहार में ऐसा आ गया, किसी ने किया नहीं, व्यवहारिक परिस्थितियों में ऐसा हो गया। तो अब इसीलिए अगर कोई भी चुनाव निर्धारित 5 साल की अवधि के पहले हो जाए तो इसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। इलेक्शन के भी कई प्रकार हैं, स्नैप पोल। स्नैप पोल का मतलब होता है कि निर्धारित अवधि से पहले चुनाव हो जाए। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है 5 साल की अवधि के पहले चुनाव हो जाए, मिड टर्म इलेक्शन। तो इट वॉज इवन 1971 इट वॉज फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन इन इंडियन लोकसभा। लोकसभा के लिए पहला ये मध्यावधि चुनाव था, इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन हम इसके बावजूद संसदीय शासन में कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं, देखिए उसका पहला एक जर्मनी का तरीका है। तो अगर हमें संसदीय शासन में स्टेबिलिटी लाना है तो एक बार अमेंडमेंट करिए, एक बार साथ चुनाव करवा दीजिए। हाँ, इसके बाद ये गारंटी तो नहीं है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, उसके बावजूद हम साथ चुनाव करके अच्छा व्यवस्था ला सकते हैं। उसमें हमें करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक दो सिस्टम है जैसे जर्मनी ने अपना रखा है। अब जर्मनी तो इतना डेवलप देश है, फिर भी उसने क्या कर रखा है, उसने कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन का विचार अपना रखा है। सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव। जर्मनी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जर्मनी ने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी के लिए एक नया तरीका अपना लिया है, कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो बात ध्यान देने की है, याद रखिए जो हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है। अच्छा, पिछली बार देखिए आईएएस प्रीलिम्स के अंदर सरल सवाल पूछा गया था। अब मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप आईएएस के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे तो ऐसा फंडामेंटल चीज़ें पूछ ली जाती हैं एकदम से सिंपल। जैसे पूछा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ किया गया है, या इसका प्रीलिम्स का सवाल है, ये कहाँ किया गया है, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहीं है या नहीं है। अच्छा, मतलब जो कहीं नहीं है वैसे चल रहा है, मैं कैसे चल रहा है फिर हमारे यहाँ, परंपरा के परिणाम स्वरूप, परंपरा के परिणाम, दैट्स गुड, परंपरा के परिणाम स्वरूप है। ये लोकसभा नियमों का पार्ट है, लोकसभा नियमों में लिखा गया है, परंपरा में नहीं है। हमारे यहाँ परंपराएं चल नहीं पा रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आके आपको बता देंगे। इसलिए ये लोकसभा नियमों में लिखा गया है, तो लोकसभा नियम बनाया है संसद ने, संसदीय विधि के द्वारा है। लेकिन दूसरी बात है, इट्स नो कॉन्फिडेंस मोशन है या नो मेजोरिटी मोशन है, ये क्या है, बहुमत प्रस्ताव होता है या विश्वास प्रस्ताव होता है, क्या होता है? हमें क्या लिखना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस लिखना चाहिए या नो मेजोरिटी मोशन लिखना चाहिए? आपको यह दिला दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन का ही उल्लेख है, नो मेजोरिटी मोशन नहीं। इसका मतलब है लोकसभा में बहुमत दल आपके साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, लोकसभा में आपको विश्वास मिलता रहे, और विश्वास के लिए बहुमत का होना आवश्यक नहीं है। एग्जांपल आपको बता दें, मैं नरसिंह राव वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बताइए, अब एक बेसिक चीज को बता दें आपको इस प्रस्ताव पर आने से पहले, भारत में आपको लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितने कितने नंबर चाहिए आपको, कितना? लोकसभा में आपको सरकार बनाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, कितना? 273। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 273, कुछ 272, मतलब मैं समझ नहीं पाया क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या? अच्छा अच्छा, आधे से अधिक। तो लोकसभा की संख्या कितनी है, 500?
अच्छा 545 का बहुमत चाहिए, तो आप कह रहे हैं बहुमत होता है आधे से एक अधिक, इस आधार पे आप कितना बता रहे हैं, 2। अच्छा है। क्या हम 543 क्यों ले? अच्छा, तो आपको याद दिला दे 545 का बहुमत नहीं चाहिए, मैं 543 का बहुमत इसलिए नहीं चाहिए, एंग्लो इंडियन वोटिंग नहीं होती, वोट वो करते हैं, इसलिए चाहिए सरकार बनने के बाद उनको जोड़ा जाता है। सरकार बनेगी तब तो अपॉइंट करेगी, और हर नई सरकार उनको अपॉइंट करती है 5 साल के बाद, इसलिए हमें मेजोरिटी चाहिए 272। लेकिन नरसिंह राव सरकार के पास, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991, ही हैड अ सपोर्ट ऑफ ओनली 242 मेंबर्स। कांग्रेस में केवल 242 विधायक सांसद थे, उसके बावजूद सरकार 5 साल तक चल गई, कैसे? तो आपको याद दिला दें, इसलिए विश्वास मत की बात की गई, बहुमत मत की बात नहीं की गई। और आप जानते हैं विश्वास मत कैसे पारित होता है, कुल सदस्य संख्या का आधे से, उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा। तो लोकसभा की सदस्य संख्या तो 453 है, लेकिन जब आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उसमें 400 मेंबर प्रेजेंट है, बाकी बायकॉट कर गए, और सरकार मैनेज कर लेती है, भाई तुम कम से बाहर तो हो जाना, उसे कुछ लेने देने पड़ेंगे, कुछ सुविधा देनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसे कोई बाहर होगा नहीं। तो 400 है तो मेजोरिटी कितनी हो गई, 201। इसलिए दिस इज नोन एज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अपने नाम से अल्पमत की सरकार। नरसिंह राव गवर्नमेंट वॉज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, यानी आपके पास मेजोरिटी नहीं है तब भी आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, सदन में आपका विश्वास होना चाहिए, बहुमत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखने की है। और ये संसदीय अधिनियम में लिखा गया है, ये पार्लियामेंट इस संविधान में इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, संविधान में क्या है हम आपको आगे बता देंगे। अब नो कॉन्फिडेंस का मतलब अगर यहां बता दें, नो कॉन्फिडेंस, और आगे चल के हम सब बता देंगे कि सामान्य बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत, ये सब बेसिक बातें सबको बता देंगे। अब नो कॉन्फिडेंस का सीधा सा मतलब होता है, आपने किसी में अविश्वास बता दिया, अविश्वास जता दिया, इसका मतलब उसको बाहर करना चाहते हैं, यानी लोकसभा ने किसी सरकार में अविश्वास जता दिया, और हमारे यहाँ सवाल है अविश्वास जता दिया इसका मतलब सरकार को बाहर करना चाहते हैं। सवाल है कि सरकार को बाहर भी करेंगे या कोई सरकार बनाएंगे भी, पर्पज क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एक मस्सी गिर गई, उसमें एक व्यक्ति ने बड़ा डिस्प्यूटेड वोट किया था, उसमें एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे जो सांसद थे, लेकिन उसके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंटेड हो चुके थे, लेकिन सांसद के पद से त्यागपत्र दिया नहीं था, फिर भी उन्होंने आके वोट कर दिया, बिकॉज टेक्निकली ही वॉज ए मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट हो गए तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, उन्होंने वोट कर दिया, एक मत से सरकार गिर गई, उसके बाद कोई सरकार बनी नहीं, दोबारा चुनाव करने पड़े। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ है। तो सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने की बात करता है, बनाने की बात नहीं करता, कंस्ट्रक्टिव क्या बात करता है, बनाने की भी, यानी कंस्ट्रक्टिव क्यों है, सरकार को हटाने के पहले, अगर जो सरकार को हटाना चाहता है पहले उसको बताना पड़ेगा कि आप वैकल्पिक सरकार बना पाओगे या नहीं, और नहीं बना पाओगे तो आपको सरकार गिराने की परमिशन नहीं होगी। स्टेबिलिटी हुई या नहीं, यानी अगर ये बना लेगा तब भी स्टेबिलिटी है, और अगर नहीं बना पाएगा तो उसको हटा ही नहीं पाएगा। ये जर्मनी ने लागू किया है, और हमारे यहाँ संविधान के कार्यकरण की समीक्षा पर, व्हेन वेंकटचलिया कमीशन वाज अपॉइंटेड नियर 2000, तो वेंकटचलिया कमीशन इज रिकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेंकटचलिया कमीशन ने कहा है कि अब सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव की बात संविधान में जोड़ दी जाए, इससे स्टेबिलिटी बन सकती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी पॉसिबल है, पहला लिखने की बात। तो कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब समझ गए भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार बाहर करना, और कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब बाहर करने के पहले सरकार बनाना, नहीं तो इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अगला, वेंकटचलैया आयोग, वेंकटचलैया कमीशन, वेंकटचलैया आयोग के द्वारा भारत में सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव
वेंकट चलिया आयोग के द्वारा भारत में सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव। लागू करने की अनुशंसा की गई। वेंकटचले कमीशन इज रिकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव लागू करने की अनुशंसा की गई। जिससे सरकार में स्थायित्व संभव है। विच कैन इंश्योर स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। सरकार में स्थायित्व संभव है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बड़ी प्रॉब्लम है। और तब चूंकि हम कुछ, अब देखिए, जब हम प्रैक्टिकल बातें बताते हैं फिर पॉलिटी पर आ जाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आया राम गया राम। अब इनको कैसे रोका जाए? याद रखिए, एक एक विधायक इधर उधर भागते रहते हैं, इससे सरकार अनस्टेबल होती है। अब देखेंगे यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए दोस्तों, कब कौन इधर छोड़ के भाग जाएगा पता ही नहीं है। तो शत्रुघ्न सिन्हा किधर जा रहे हैं? बाकी कीर्ति आजाद कहाँ चले गए? तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। कांग्रेस कोई व्यक्ति इधर चाहे, अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा था, कितने बीजेपी के लोग कांग्रेस में भागे एमपी में। ये चुनाव देखते रहते, मौसम देखते हैं पहले, किसका फेवरेबल मौसम है, वही तो कूद जाते हैं। और जनता भी कमाल के उन्हें चुनाव जिता देती है। कुछ मिनिस्टर्स इतने होशियार हैं, बस उनको पता चलना चाहिए किधर हवा बह रही है और उसी तरफ बैठ जाते हैं। भाई अब हम व्यक्तिगत नाम किसी क्यों लें? सभी लोग तो उसी धारा में हैं, तो व्यक्तिगत तो नाम लेना ठीक नहीं किसी का। लेकिन वास्तविक मुद्दा ये है कि आखिर में कैसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी को ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे ठीक करें? उसका हमारे पास एक दूसरा उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है? एंटी डिफेक्शन एक्ट को ठीक करना है। तो अब जरा देखिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या है? अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाना है तो हमें दल बदल विरोधी अधिनियम को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन एक्ट? अब इसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि ये बात तो ठीक नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल में बदल दिया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपने सही बताया, भारत की पर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है, वो ज़्यादा अच्छी विविधता को रिप्रेजेंट करती है। तो अच्छी बात है कि जो सिस्टम हमारे पास है उसी को चेंज कर दें, बजाय कि नया सिस्टम लाए। क्योंकि अमेरिका वाला सिस्टम हमारे हो सकता और प्रॉब्लम कर दे। अभी तो आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पार्टी है, तो क्या मच मच मची हुई है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्या हम लागू करना चाहते हैं इसमें? अभी खास तौर पे देखेंगे हमारे यहाँ आखिर में किस किस काम को एंटी डिफेक्शन माना जाएगा और कहाँ कहाँ। तो पहला है, ये एक्ट लाया गया 85 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1925 में, और एंटी डिफेक्शन एक्ट को संविधान में जोड़ा गया 10th शेड्यूल में, 10वीं सूची में। एंटी डिफेक्शन एक्ट वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 10th शेड्यूल, 10वीं सूची में दल बदल विरोधी अधिनियम को शामिल किया गया। पहले तो आपको ये बता दें कि एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू किस पर होता है, ये हमेशा याद रखने की बात है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, नॉन इलेक्टेड पे नहीं। ये किस पे लागू होता है? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है, इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए, दैट इज एप्लीकेबल ओवर इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए। ये निर्वाचित सांसदों और विधायकों पे लागू होता है। आपको याद दिला दें, इसका मतलब है जो पार्टी का मेंबर है या जो वैसे भी कोई व्यक्ति है जो निर्वाचित नहीं हो, कहीं भी कूदे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर लागू नहीं है। किसके ऊपर लागू है? इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमने एमपी एमएलए कह दिया इसका मतलब है कि इलेक्टेड है। पहला। दूसरा,
एंटी डिफेक्शन किसके पे लागू होगा? पहला होगा पार्टी मेंबर पे, लागू किस पे होगा? पार्टी मेंबर पे लागू होगा। दूसरा लागू होगा नॉमिनेटेड पे, नॉमिनेटेड पे भी लागू होगा, मनोनीत। तो इट इज एप्लीकेबल ओवर द पार्टी मेंबर। यानी हमारे यहां तीन प्रकार के सांसद हैं, जब लोकसभा में आप जाएंगे तीन प्रकार के मेंबर आपको मिलेंगे, एक तो पार्टी के हैं, दूसरा क्या है मनोनीत। लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब आधा इंडियन आधा एंग्लो, हाफ हाफ, आधा इंडियन आधा एंग्लो का मतलब है कि जिनके, यानी ऐसा कोई पुत्र या पुत्री जिसकी माँ भारतीय समुदाय से हो और पिता यूरोपियन समुदाय से हो, और उसके कॉकटेल के बाद होने वाला बच्चा क्या होगा? एंग्लो इंडियन। तो हमने थोड़ा सा बात ध्यान रखा क्योंकि हमारे यहाँ कई फ्रेंच आ गए थे, कई लोग हमारे यहाँ के बस गए, पुर्तगीज फ्रेंच इंग्लिश सब आके बस गए, और आके बस गए तो भारतीय महिला शादी विवाह कर लिया, तो हमने थोड़ा सा उनको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया कि अल्पसंख्यक होने कारण, और इस वजह से भी कि तुमने हमारे ऊपर शोषण किया था, हम तुम्हारा शोषण नहीं करेंगे, हम तुमको सम्मान देंगे। तो हमारा तो साम्राज्यवाद खिलाफ जंग थी, अंग्रेजों खिलाफ, साम्राज्यवाद खिलाफ। गांधी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ जंग की बात की ना, हमारी जंग क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। तो नॉमिनेटेड। तीसरा होगा निर्दलीय, निरंकारी। निर्दलीय का मतलब क्या होता है? निर्दलीय को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, न उद्धव का लेना न माधव का देना। ये तीन प्रकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हाउस में होते हैं, एमपी भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं। तो तीनों पे एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होगा, पार्टी मेंबर पे भी, इस पे भी और इस पे भी। अब पार्टी मेंबर कैसे लागू होगा? अभी आपने देखा था शरद डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, शरद यादव के ऊपर ही आरोप लगा कि नहीं उन्होंने दल बदल किया। दल में रहनी बात है, दल बदल करना अच्छी बात है। अरे शरद यादव का नाम आपने सुना है, उनके ये डिस्क्वालीफाई हुए या नहीं हुए? इसका मतलब है अगर कोई पार्टी का मेंबर है वो कैसे डिस्क्वालीफाई होगा? पहला, अगर पार्टी का मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? पहला, उसने पार्टी से रिजाइन कर दिया। बात ध्यान रखने की, पार्टी से रिजाइन किया है, एमपी एमएलए से नहीं। पहला, अगर ही आर सी रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, अगर उसने पार्टी से रिजाइन किया, इसका मतलब है उसको विदाई कर दी जाएगी एमपी और एमएलए से भी। जबकि आप जानते हैं पार्टी का मेंबरशिप अलग है, एमपी एमएलए होना अलग है। पार्टी का मेंबरशिप पता नहीं कितने लाखों लोग हैं, हर व्यक्ति एमपी एमएलए थोड़े है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टी को रिजाइन कर देगा, क्योंकि ऐसा क्यों माना गया है, क्योंकि एक व्यक्ति पार्टी के मैनिफेस्टो पर जीता है, पार्टी बिफोर इलेक्शन ईच एंड एवरी पार्टी डिक्लेयर इट्स मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जारी करती है, और हम चुनाव के पहले कभी घोषणा पत्र देखते ही नहीं दोस्तों, किस पार्टी ने क्या कहा है। हमारा तो चुनाव में मत देने का आधार ही अलग होता है, किसी ने पन्नी पिला दिया जाके छाप दिया वोट, मैनिफेस्टो अपने पास रखे, कहीं पन्नी पे लिया, कहीं मुर्गा खा लिया, जो भी ऑप्शन हो सकता है वो हम ले लेते हैं। हमें पता होता है भाई इसके बाद तो आएगा नहीं, तो जो लेना है अभी ले लो। अब जनता और होशियार हो गई, पैसा कहीं और लिया, बटन दबा दिया कहीं और का, और कुछ लोग तो गांव में सबसे पैसा ले रहे हैं। हमने कहा यार तुम सबसे ले लो, उनका भैया इनसे ले लेने लो, ये मिलेंगे कहां उसके बाद? उसके बाद वोट तो हम वही देंगे जहां चाहते हैं। इंडियन वोटर नाउ बिकमिंग वेरी क्लियर। इसमें क्या, पहला अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? संसदी से भी गया, पहला। दूसरा, पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट किया, वोटेड अगेंस्ट द पार्टी व्हिप। पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट किया,
अच्छा, हिप का मतलब निर्देश। याद रखिए, लोकसभा में, जब लोकसभा में, विधानसभा में कोई कार्यवाही होती है तो हर पार्टी के निर्देश जारी करती है कि हमारे एमपी एमएलए प्रेजेंट रहेगा पहला, और किधर वोट करेगा, यानी जहां कहे वहां वोट करिए और जहां पार्टी न कहे वहां वोट मत करिए। पार्टी खेला, अब जिसने भी वोट किया वो गया, वो गया। तीसरा, अब बताइए शरद यादव ने इसमें क्या किया था? शरद यादव ने पार्टी से रिजाइन किया था? नहीं। पार्टी हिप के खिलाफ वोट किया था? नहीं। किया क्या था? इसलिए एक और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक बात लिखी नहीं गई है एक्ट में, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका मतलब माना जाना चाहिए। अब सवाल है, कोई पार्टी से रिजाइन तो नहीं कर रहा है लेकिन पार्टी के रोज सेंक रहा है, रोज दोस्तों गाली गलौज दे रहा है, पार्टी के अध्यक्ष रोज ही गाली दे रहा है, और पर्तल पार्टी से रिजाइन तो नहीं कर रहा है, अपोजिशन के रैली में शामिल हो रहा है, तो क्या माना जाए? पार्टी विरोधी गतिविधि। यहां पर भी उसको बाहर किया जा सकता है, यद्यपि ये तीसरी बात एक्ट में नहीं लिखी गई है लेकिन इससे इन्फर माना जाना चाहिए। और शरद यादव किस आधार पर बाहर किया गया? पार्टी विरोधी गतिविधि के आधार पर। बार बार कहा ये एक्ट में लिखा नहीं गया है, इसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, व्यवहारिक रूप में तो हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते याद रखते हैं, जो चीज लिखी गई उसी को ऑब्जेक्टिव टिक करते हैं। तो इफ समबडी इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी विच इज अपोज टू द पार्टी, अगर कोई पार्टी के विरोधी गतिविधि में है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, किसका मतलब है? अगर कोई पार्टी के विरोधी काम कर रहा है तो यह भी माना जाएगा उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, देयरफॉर ही इज एलिजिबल टू डिस्क्वालीफाई। लेकिन इसके बाद क्या होगा कल?